समय का एक पैटर्न है जिसकी मजबूरी है खुद को दोहराना। अलग लोग, अलग दुनियाएं ऐसे पास खिंचे आते हैं जैसे मैग्नेट हो। एक बात बताओ, तुम कहीं भी जा सकते हो, दूसरे टाइमलाइन, दूसरे यूनिवर्स में, क्यों इसी में रहने और इसे बचाने पर तुले हुए हो? क्योंकि इस वाले में मेरी बॉम्ब रहती है। ये तो मेरा चेहरा है, तुमने मेरा चेहरा चुराया। अगर गुजरे हुए समय में चले भी गए तो तुम्हें अंदाजा भी है उसका अंजाम क्या होगा। ऐसा नहीं हो सकता। लव करते हुए देखना चाहते हैं क्रिश मूवी में क्या ऐसा हो सकता है कि अपना क्रिश स्पेस ट्रेवल करे, इस पर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों इससे पहले हम ये जानते हैं कि स्पेस ट्रेवल होता क्या है, और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्यों है स्पेस ट्रेवल जरूरी। अंतरिक्ष अन्वेषण भविष्य है, यह तलाशने और यात्रा करने की मानवीय इच्छा को संतुष्ट करता है, और आने वाले वर्षों और दशकों में ये हमारी प्रजातियों को घर बुलाने के लिए एक नया स्थान भी प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से अब प्रासंगिक है क्योंकि पृथ्वी तेजी से भीड़ भाड़ वाली हो गई है। चलिए अब जानते हैं कि क्या इंसान स्पेस ट्रेवल कर सकता है, और अगर हाँ तो फिर कैसे ये पूरी तरीके से संभव है कि मानव खोजकर्ता हमारे सौर मंडल की सबसे दूरस्थ पहुंच का दौरा करेंगे। हालांकि सितारे एक और मामला है, इंटरस्टेलर स्पेस इतना विशाल है कि इसे पार करने के लिए प्रकाश, ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज जिसे हम जानते हैं, वर्षों, सदियों और सहस्राब्दियों तक लगता है। प्रकाश से तेज यात्रा एक दिन संभव हो सकती है, लेकिन हमारे जीवन काल में ये संभव नहीं है। क्या स्पेस ट्रेवल करना खतरनाक हो सकता है, आइए जानते हैं संक्षेप में। हाँ बहुत। कक्षा तक पहुंचने का मतलब लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे या 17,000 मील प्रति घंटा या ध्वनि की गति से 22 गुना तक तेजी लाना है। अगर उस गति से कुछ भी गलत होता है तो ये शायद ही कभी अच्छी खबर होती है। दोस्तों स्पेस में जाना अगर आपका सपना है तो हम चाहेंगे कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो। अब बात करते हैं क्रिश 4 की स्टोरी के बारे में। इस बार कृष्णा उर्फ क्रिश नए खतरों का सामना करेगा। इस बार उसके सामने नए और खूब डेंजरस खलनायक होंगे। जी हाँ, जादू क्रिश के बेटे से मिलने के लिए धरती पर आता है अपने सभी साथियों के साथ, जो एक बहुत बड़ी उड़न तस्तरी में आते हैं। क्रिश के बेटे से मिलने के बाद वो उड़न तस्तरी वापस से स्पेस में चली जाती है। तभी कुछ पागल साइंटिस्ट एक मिसाइल बनाते हैं जो पूरी जादू की फैमिली को स्पेस में ही खत्म कर सकती है। जी हाँ, जब क्रिश को ये मालूम लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मिसाइल लॉन्च हो चुका होता है और स्पेस के लिए निकल चुका होता है। तब क्रिश अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ते हुए स्पेस ट्रेवल करता है और उस मिसाइल को उड़न तस्तरी से टकराने से बचा लेता है। दोस्तों ऐसी ही कहानी हो सकती है क्रिश 4 की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? बताऊं कि एक टीम ने तिब्बती ग्लेशियरों में निष्क्रिय पड़े 28 अज्ञात वायरस की खोज की थी। माना जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ये वायरस का खतरा बनेगा। एथोस का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ से ये वायरस निकलेंगे। एथोस ने कोरोना से जुड़ी दूसरी भविष्यवाणियां की थी, इसमें उन्होंने दावा किया कि कोरोना कम नहीं होगा लेकिन वायरस की एक नई दवा बनाई जाएगी जो वास्तव में शैवाल से बनेगी। एथोस ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि हरे पौधे में कई पोषक तत्व पाए जा सकते हैं। दोस्तों ये मौका हमें क्रिश 4 की स्टोरी तक लेकर जा सकता है। क्रिश 4 में भी एक ऐसा ही एस्ट्रोलॉजर को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो क्रिश और उसकी टीम को आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर बताएगा, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। जब उनका यकीन हकीकत में तब्दील होने लगेगा तभी सबको आने वाली दिक्कतों के निदान के लिए उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या क्रिश आने वाली परेशानियों से दुनिया को बचा पाएगा? महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण पर फिल्म बनाने का ट्रेंड बॉलीवुड में काफी ज्यादा बढ़ गया है। जाने माने फिल्म मेकर नितेश तिवारी भी रामायण पर अर्क मेगा बजट फिल्म बना रहे हैं, जिसमें पहले बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका में नजर आने वाले थे, लेकिन फिर ऋतिक रोशन ने इस फिल्म से बाहर होने का फैसला कर लिया। दोस्तों रामायण से ऋतिक के बाहर होने का कारण ये था
कि वो विक्रम वेधा में वेधा का नेगेटिव किरदार निभाने के बाद फिर से रामायण में रावण जैसी नेगेटिव भूमिका निभाना नहीं चाहते थे। जी हाँ, और इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को छोड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों, अब हमने सुना है कि ऋतिक रोशन एक बार फिर से सुपर हीरो बनने की तैयारी कर रहे हैं। रामायण से बाहर होने के बाद ऋतिक ने अपनी सारी एनर्जी हैवी वीएफएक्स से सजी सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 में लगा दी है। पिछले महीने उन्होंने अपने पिता राकेश रोशन के साथ क्रिश 4 की स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया है और वो इसे जल्द से जल्द शुरू करने के लिए काफी उत्साहित है। दोस्तों, अपनी सुपर हीरो फिल्म के लिए ऋतिक के पास अब सब कुछ बिल्कुल रेडी है। ऋतिक अब भारतीय सिनेमा के असली सुपर हीरो की भूमिका निभाने के लिए बहुत उत्साहित है। वो क्रिश बनना चाहते हैं और ये उनकी अंदर की आवाज है जिसे कि वो पूरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ऋतिक ने क्रिश 4 के लिए डायरेक्टर की तलाश भी शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी टीम से हॉलीवुड से जाने माने डायरेक्टर को लेने के लिए भी कहा है। जी हाँ, क्रिश के लिए ऋतिक खुद लॉस एंजल्स जाएंगे और वहाँ कुछ बड़े हॉलीवुड फिल्म मेकर्स के साथ मीटिंग करेंगे। क्रिश भारतीय सिनेमा के सबसे चहेते किरदारों में से एक है और लंबे समय से उनकी वापसी की उम्मीद की जा रही थी। अब ऐसा लगता है कि फाइनली क्रिश 4 शुरू होने वाली है। तो आप क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस। एलियंस रियलिटी में जिनकी एग्जिस्टेंस के बारे में कई सवाल हमारे सामने खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर साइंस फिक्शन जिसके सहारे हमारे दिमाग में एलियंस की एक इमेज बन चुकी है। सिर्फ इमेज ही नहीं बल्कि हमारे साइंस फिक्शन के हिसाब से इंसान और एलियंस के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं है। जैसे 1980s की ब्लॉकबस्टर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और सालों चले स्टार ट्रेक शो के एपिसोड से लेकर एलियंस के एग्जिस्टेंस पर लिखी गई बुक्स तक, साइंस फिक्शन राइटर्स लंबे वक्त से इस सवाल से जूझ रहे हैं कि अगर वास्तव में एलियंस हमें मिल जाते हैं तो उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा होगा। आजकल की बुक्स और फिल्मों में एलियंस को अक्सर सेकेंड क्लास सिटीजन या इंसानों से कम के रूप में देखा जाता है, और फिल्मों से हर बार अगर कोई इंसान एलियन को नहीं बचाता तो अब तक न जाने कितने एलियंस साइंटिफिक लैब्स में बंद होते और उन पर रिसर्च की जाती। बॉलीवुड की क्रिश मूवी सीरीज की पहली फिल्म कोई मिल गया में भी ऋतिक रोशन ने जादू को बचाया था और वापस उसे उसकी स्पेसशिप में भेजा था। 2009 की हॉलीवुड फिल्म डिस्ट्रिक्ट 9 में लाखों एलियंस साउथ अफ्रीका की गंदी बस्तियों में रखे गए हैं, जो कि रियल लाइफ में इंसानों की कट्टरता और क्रूरता को दिखाता है। हालांकि एलियंस के जीवन के एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं, फिर भी उनकी तलाश में रिसर्चर लगे रहते हैं। किसी भी मामले में अगर आने वाले फ्यूचर में हमें कुछ भी मिलता है तो उसमें ऐसे साइंस शामिल होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो फिल्मों और टीवी शो में दिखाए गए एलियंस की तुलना में कभी मंगल ग्रह पर मौजूद हो सकते हैं। फिर भी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंट एलियंस यही कहीं बाहर मौजूद है, और हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम से भी हमारे कुछ बाहर प्लैनेट्स मौजूद हैं और उनमें से कुछ पर पानी अवेलेबल होने की वजह से वहां पर जीने वालों के मिलने की भी उम्मीद की जा रही है, और इसलिए एलियन लाइफ की खोज भी जारी है और पॉसिबिलिटी यही है कि एक बार तो उनके साथ सामना होगा। और अब यहां बात आती है कि अगर एलियंस को साथ हमारा सच में एनकाउंटर होगा तो हमारा एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव होगा, और इतना अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं कि इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज हम इंसानों से तो अलग हो सकती है। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे राइटर्स को तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि इंसान कभी एलियंस के साथ कुछ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्लैनेट में रहने वाले ह्यूमन या किसी और के राइट्स को समझने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पूरे इतिहास में काफी खराब रहा है। हालांकि इंटरनेशनल लीगल कॉन्वर्जेशन से उनका प्रोटेक्शन दी जा रही है। हम एलियंस के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं इसके लिए एक क्लू हमारे प्लैनेट पर जो ह्यूमन नहीं है ऐसा को कवर करने वाले राइट्स में बताया गया है। हालांकि कई देश अब गोरिल्ला से लेकर कौवे तक के जानवरों की सेंटीमेंट्स के साथ पहचान कर ली है। ये हाल ही में कि एनिमल राइट्स ग्रुप में इन्हें के बेसिस पर जानवरों को राइट देने को लिए कुछ लीगल प्रोसीजर किया है, जिसमें जानवरों के कम्फर्ट या संकट जैसे सेंटिमेंट्स को एक्सपीरियंस करने की उनकी कैपेबिलिटी को डिफाइन किया है। कुछ लोग तो पहले से ही इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि पूरी तरह से अनफेमिलियर एलियन स्पीशीज के लिए राइट्स हमारे लीगल एयर एथिकल फ्रेमवर्क में कैसे फिट होंगे। लेकिन एलियंस के बीरे मुंह
होने वाली इंटरनेशनल डिस्कशन के रास्ते बहुत कम है। 1977 में ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशंस में एक सवाल उठाया था, जो मानते थे कि एलियंस के यूएफओ को देखा जाना हमारे प्लैनेट पर हमारे एनिमी एलियंस लाइफ को साइन करता है, और यूनाइटेड नेशन के माध्यम से एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बॉडी बनाने का सुझाव दिया। लेकिन इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की, कोई पॉलिसी नहीं अपनाई गई, और अगले साल अपने पद से हटने से पहले ब्रिटिश डिप्लोमैट्स ने इस टॉपिक को वहीं खत्म करने और हमेशा के लिए छोड़ने के लिए उन पर दबाव डाला गया। ऐसे ही हो सकता है कि इस बार क्रिश 4 में हमें एलियंस और इंसानों के बीच के रिलेशंस अच्छे और सच्चे देखने को मिले। 50 में दुनिया पूरी तरह बदल गई है, ग्लोबल वार्मिंग ने अपना असर डाला है जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम चरमरा गया है और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। लेकिन तमाम हंगामे और तबाही के बीच एक बात और भी हैरान करने वाली है, वो है एलियंस की खोज। दोस्तों, क्रिश की कहानी की शुरुआत 2050 से होगी, जिसमें क्रिश टाइम ट्रेवल करके 2050 में जाएगा ताकि वो आने वाले समय की परेशानियों से अवगत हो सके। जब वो 2050 में पहुंचता है तो देखता है कि दुनिया में एलियंस के आने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, साथ ही साथ तकनीक के बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग और बाकी की समस्याएं हो रही हैं। उस समय में पूरे आकाश में अजीबोगरीब रोशनी और घटनाओं के साथ सब कुछ शुरू हुआ, जिसमें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ एक धोखा है, जब तक उन्होंने यूएफओ को नहीं देखा था। क्रिश ने देखा कि दुनिया दहशत की स्थिति में है, लेकिन साथ ही ये भी देखा कि एलियंस के शत्रुतापूर्ण इरादे नहीं थे। वर्ष 2050 में मानव ने एक दूर के ग्रह से एलियन की एक प्रजाति के साथ संपर्क बनाया। जोगन्स कहे जाने वाले ये एलियंस तकनीक में बहुत उन्नत है और सदियों से पृथ्वी पर नजर रख रहे हैं। मानव और जोगन्स के बीच पहली मुलाकात तनाव भरी रही थी, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से सावधान रहने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि समय के साथ दोनों प्रजातियों ने परस्पर लाभकारी साझेदारी बनाई। जोगन्स ने अपनी उन्नत तकनीक को मानव जाति के साथ शेयर किया, जिसने पृथ्वी पर जीवन में बहुत सुधार किया। बदले में मनुष्यों ने पृथ्वी और उसकी विविध संस्कृतियों के बारे में अपना ज्ञान शेयर किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, अधिक से अधिक जोगन्स एलियन ने पृथ्वी का दौरा किया और अंततः एक छोटी कॉलोनी को स्थापित किया गया, जहां मनुष्य और जोगन्स एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। दोस्तों, एक दिन मनुष्यों के एक समूह ने ग्रह की सतह के नीचे गहराई में दबी हुई एक रहस्यमय कलाकृति की खोज की। कलाकृति उनके द्वारा देखी गई किसी भी चीज के विपरीत थी, और ये जल्दी ही मनुष्यों और जोगन्स दोनों के ध्यान का केंद्र बन गई। दोस्तों, काफी कोशिशों के बावजूद मानव और जोगन्स को मिले आकृति के रहस्यों को खोलने में असमर्थ थे। ये एक रहस्य बना रहा, लेकिन इसने अंतरिक्ष और अन्य विदेशी प्रजातियों की खोज में नए सिरे से रुचि पैदा की। जैसे जैसे मानवता और जोगन्स ब्रह्मांड की विशालता का पता लगाना जारी रखते हैं, उन्हें कई अन्य विदेशी प्रजातियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति और तकनीक होती है। इन प्रजातियों के बीच साझेदारी ने गैलेक्सी में शांति और सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद की। अंत में मनुष्य और जोगन्स एक साथ रहना और काम करना जारी रखते हैं, ब्रह्मांड की खोज करते हैं और इसके रहस्यों को खोलते हैं। वे सबसे अच्छे दोस्त बन रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी साझेदारी जारी रहेगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ संपर्क बनाया और खुद को एक दूर के ग्रह से शांतिपूर्ण एलियंस के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने खुद को जोगन्स कहा और समझाया कि वे कई वर्षों से हमारे ग्रह यानी पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं और मानव सभ्यता से प्रभावित है। जोगन्स का स्वागत संदेह और भय के साथ किया गया था, लेकिन समय के साथ वे अपनी शांतिपूर्ण इरादों को साबित करने में सक्षम हो गए और उनके साथ एक संबंध स्थापित हो गया। दोस्तों, जोगन्स अपने साथ उन्नत तकनीक लेकर आए, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके पास पर्यावरण को साफ करने, बीमारों और घायलों को ठीक करने और यहाँ तक कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को उलटने की क्षमता थी। लोग उनकी क्षमताओं से चकित हैं और जल्द ही जोगन्स मानव समाज में एक स्थिरता का कारण बन गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानों को अपने विदेशी पड़ोसियों से खतरा महसूस होने लगा। उन्हें चिंता होने लगी कि जोगन्स दुनिया पर कब्जा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। डर इस बात का है कि उनकी तकनीक और ज्ञान बहुत उन्नत था। दुनिया के सुपर हीरोज ने जोगन्स की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया।
दोस्तों, टास्क फोर्स की कोशिशों के बावजूद जॉर्गन्स ने मानवता के लिए महान कार्य करना जारी रखा। उन्होंने नए शहरों के निर्माण में मदद की, सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई और यहां तक कि कैंसर का इलाज भी खोजा। लेकिन जॉर्गन्स पर अभी भी किसी को कोई विश्वास नहीं था। ये तब तक जारी रहा जब तक रोहित और उसके वैज्ञानिकों ने एक समूह ने एक चौंकाने वाली खोज नहीं की थी और इस खोज के बाद सब कुछ बदल गया। उन्होंने पाया कि जॉर्गन्स अपने ग्रह के संसाधनों से बाहर एक नए घर की जरूरत थी ताकि वो अपनी सभ्यता और संसाधन को बढ़ा सके। इसीलिए उन्होंने पृथ्वी को चुना क्योंकि उन्होंने इस संपन्न सभ्यता की क्षमता देखी थी और वे वहां पहुंचने में हमारी मदद का नाटक कर रहे थे। दोस्तों, इसे साइंटिस्ट एक तरह से एलियंस का पृथ्वी पर हमला मान रहे थे, लेकिन अभी भी जादू जैसे कुछ ऐसे एलियंस थे जो इंसानों और सुपर हीरोज की मदद करना चाहते थे। इसीलिए सबसे पहले क्रिश ने जादू से संपर्क करने के लिए वापस से अपने टाइम में जाने का फैसला किया। दोस्तों, ऐसे ही एलियंस के हमले को क्रिश 4 की स्टोरी में दिखाया जा सकता है। आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सभी रेल यात्री कृपया ध्यान दें, ऐसा ही कुछ सुनने को मिलता है सभी यात्रियों को जो अपना सफर रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन से करते हैं। सभी ट्रेन का अपना समय होता है निकलने का और फिर अपने निर्धारित समय पर सभी ट्रेन सभी मुसाफिरों को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा भी देती हैं। सफर लंबा हो या छोटा मगर होता मजेदार है। कुछ लोग काम से कहीं जा रहे होते हैं और कुछ लोग वापस घर आने के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं। कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए ट्रेन में चढ़ते होते हैं या फिर कुछ लोग छुट्टियों से वापस लौट रहे होते हैं, मगर इन सब में सभी को अपना एंड स्टेशन पता होता है। लेकिन इसी बीच अगर एंड स्टेशन या यूं कहें डेस्टिनेशन बदलकर हॉस्पिटल हो जाए तो 7 दिसंबर 2022 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये कहानी है स्पेन की। स्पेन यूरोप का ही एक जाना माना देश है। सुंदर होने के साथ साथ स्पेन का कल्चर भी मन को भाने वाला है। हर साल लाखों लोग स्पेन में बुलफाइट्स देखने आते हैं और बता दें कि स्पेन अपने आर्ट, अपने आर्किटेक्चर को लेकर पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे में 7 दिसंबर को एक अजीब हादसा हुआ मैड्रिड में। मैड्रिड स्पेन का ही कैपिटल है और इसीलिए बहुत से लोग मैड्रिड आया जाया करते हैं और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बार्सिलोना जो कि एक और जगह है स्पेन में, उसी के पास ये हादसा हुआ। सुबह सुबह करीबन 7:50 पर दो ट्रेन आपस में टकरा गई। हुआ यूं दोस्तों कि मुनकादा आयरिश मनरेसा स्टेशन के पास एक ट्रेन खड़ी थी। इस ट्रेन का निकलने का समय अभी नहीं हुआ था और इसीलिए इस ट्रेन में फिलहाल कोई भी पैसेंजर या ड्राइवर नहीं था। ये ट्रेन हमेशा यहाँ नहीं खड़ी रहती थी, मगर कभी कभी स्टेशन चेंज होने की वजह से इस ट्रेन को यहाँ रखा जाता था। बस आपको बता दें कि हमेशा ऐसे ही जब ट्रेन कहीं पार्क्ड होती है तो उस रेल लाइन को ब्लॉक दिखाया जाता है और दूसरी आने वाली ट्रेन को रूट चेंज करने का संदेश दिया जाता है, मगर उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बार्सिलोना जाने वाली इस लाइन पर एक और ट्रेन आ रही थी। वैसे तो ये ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, मगर फिर भी कोई चलती हुई चीज अगर किसी चीज से जा भिड़ेगी तो नुकसान तो होगा ही, और ये नुकसान तो जानलेवा भी हो सकता था। इस चलती हुई ट्रेन में काफी लोग सफर कर रहे थे। ये एक नॉर्मल ट्रेन थी तो इसीलिए कुछ लोग बैठकर कर रहे थे ट्रैवल, तो कुछ लोग खड़े होकर जा रहे थे। ड्राइवर को इस रूट की क्लियरेंस मिली थी, इसीलिए ये ट्रेन सुबह सुबह इस ट्रैक पर दौड़ रही थी। इसके साथ ही दूसरी ट्रेन का कोई आइडिया दूसरी तरफ से नहीं पहुंचाया गया था। फिर बस होना क्या था, जब ड्राइवर इस ट्रेन को इस ट्रैक पर चला रहा था तो उसकी स्पीड थी तो स्लो, मगर इतनी नहीं कि दूसरी ट्रेन देखकर वो ट्रेन को रोक सके। जब ये पैसेंजर्स से भरी ट्रेन एंटर कर रही थी तब ट्रैक भी थोड़ा टर्न हो रहा था, इसीलिए भी ड्राइवर को मौका नहीं मिला दूर से ही दूसरी ट्रेन को देखने का। उस ट्रेन के आसपास भी ट्रैक्स थे और इसीलिए ड्राइवर को टर्न लेते समय लगा कि ये रुकी हुई ट्रेन दूसरी ट्रैक पर खड़ी हुई है। मगर जब ड्राइवर को पता चला कि वो तेजी से इसी ट्रेन में घुसने वाला है तो तुरंत ही ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की। अब इस समय तक स्टेशन मास्टर को भी इंडिकेशन नहीं दिया गया था कि दूसरे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो चुकी है। वहां से जब ट्रेन निकली तब ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल दिया गया था, मगर स्टेशन पर कोई भी सिग्नल देने वाला नहीं था। इसे एक बात तो साफ हुई थी कि दोनों स्टेशन के बीच का कम्युनिकेशन खराब होने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ था, मगर ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, इसके बाद जब ड्राइवर ने ब्रेक मारकर गाड़ी रोकनी चाहे तभी भी कुछ नहीं फायदा हुआ। ट्रेन बहुत जोर से दूसरी ट्रेन में जा भिड़ी। अंदर बैठे और खड़े पैसेंजर्स को पता नहीं था और इसलिए वो खुद को बचा नहीं पाए।
लगभग 155 लोगों को चोटें आई हैं और उनके अलग अलग जगह से खून भी निकला था। किसी के हाथ में लगी तो किसी की पीठ में लगी, किसी के पाँव में लगी तो किसी की छाती में। इसमें सबसे ज्यादा उन लोगों को लगी जो कि खड़े होकर ट्रैवल कर रहे थे। उनके पास खुद को संभालने का कोई भी जरिया नहीं था और इसीलिए ही टक्कर होने पर ये आगे जाकर गिरे। गिरने के बाद इन सभी लोगों के सर में चोट आई है जिसकी वजह से इन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया। पहले खबर आ रही थी कि सिर्फ 14 लोगों को ही इमरजेंसी में ले जाया गया है, जिसके बाद काउंट बढ़कर 35 भी हो गया था। किसी की भी जान नहीं गई इस हादसे में क्योंकि ड्राइवर ने सही समय पर जोर से ब्रेक्स लगा दिए थे, वरना कुछ लोगों का ये आखिरी दिन भी हो सकता था। बता दें कि लेकिन दोस्तों ड्राइवर को इस एक्सीडेंट में खूब चोट आई है और गाड़ी भिड़ते ही सबसे पहले उसे निकाला गया। आगे होने की वजह से सबसे बड़ा झटका उसे ही आया है और तुरंत ही उसे स्पेशल केयर देकर इमरजेंसी वार्ड में भेजा गया। ट्रेन खुद तहस नहस हो गई मगर आग नहीं लगी। खड़ी हुई ट्रेन को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। दोनों ही ट्रेन का आगे का इंजन पूरा खत्म हो गया और एक्सीडेंट होने की वजह से आगे के कांच भी टूट गए हैं। इस एक्सीडेंट को ज्यादा लोगों ने तो नहीं देखा मगर 2 मिनट के अंदर बहुत से ऑफिसर्स और रेस्क्यू टीम बुला ली गई थी। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया ताकि अगर किसी भी कारणवश आग लगे या किसी को भी एक्स्ट्रा मदद चाहिए हो तो उन्हें वो मदद मिल सकती है। इसके बाद जोआन कार्लोस गोमेज जो कि इमरजेंसी सर्विसेज ऑफिशियल थे, उन्होंने ही रिपोर्टर्स को सीन के बारे में बताया। उनका मानना था कि ये एक चलती ट्रेन थी और इसे रोकना किसी सुपर हीरो के बस की भी बात नहीं है, इसीलिए जब ये हादसा हुआ तो इसका ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसने फिर भी ट्रेन को धीरे कर दिया जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा होता तो नहीं है कि स्टेशन मास्टर या किसी ऑपरेटर को टाइम नहीं पता हो, इसलिए इस पर खास इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी कि कैसे ये घटना घटी। इतनी जोर से चलती हुई ट्रेन का हादसा रोकना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए ही ऐसा दोबारा ना हो इसकी जिम्मेदारी वो लेने आ रही है। इसके अलावा बता दें कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सैंचेज ने दोनों तरफ से आने वाली ट्रेन जो इस रूट पर ऑपरेट करती हैं उन्हें बंद भी कर दिया है ताकि इसके पीछे की जांच हो सके। उसके अलावा ऐसी गलती ना हो इसीलिए ऑपरेशंस को रोककर उनका शेड्यूल और टाइट करने की बातें चल रही हैं। उस दिन के सभी पैसेंजर्स की लगातार अपडेट्स भी ली गई थी और एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें सभी से माफी मांगी गई है। उस ट्रेन में सिर्फ लोकल्स ही नहीं बल्कि कुछ टूरिस्ट भी थे और इसीलिए भी घाव और गहरा है। स्पेन की इकोनॉमी टूरिज्म पर भी बहुत डिपेंड करती है और ऐसा कोई भी हादसा डायरेक्ट अफेक्ट इकोनॉमी को कर सकता है, इसलिए सभी को बहुत टेंशन के दौर से गुजरना पड़ा था। ऐसे हादसे रोज नहीं होते ऐसा सैंचेज ने कहा, मगर ऐसा एक हादसा लोगों के दिलों में बैठ चुका है। स्पेन के सभी न्यूज चैनल्स और सभी न्यूज पेपर्स में ये खबर काफी टाइम से चल रही है जिससे डिपार्टमेंट की बदनामी भी खूब हुई है। अगर कोई सडन एक्सीडेंट को बचा पाता तो बात होती। और साथ ही दोस्तों बता दें कि तो ट्रेन धीरे थी, वरना दौड़ती ट्रेन में तो आग भी लग सकती थी और जान भी जा सकती थी। इसीलिए ही वहाँ के लोकल सब टेंशन में आ गए हैं। जांच चल रही है मगर अब सब पता लगाने के बाद ही स्टेटमेंट आएगा कि आखिर ये ब्लंडर हुआ कैसे। तो हो सकता है कि हमारा क्रिश ऐसे ही किसी एक्सीडेंट को रोक सके। आखिर क्रिश में तो इतनी पावर्स हैं कि वो अपने हाथों से ऐसी चलती ट्रेन को रोक दे। और फिर दोस्तों खुद जोआन कार्लोस गोमेज जो कि इमरजेंसी सर्विसेज ऑफिशियल थे, उन्होंने भी तो यही कहा था कि ये किसी सुपर हीरो के हाथ में ही है कि ऐसे ही किसी 2 ट्रेन को भिड़ने से बचा सके। तो बस हमें इंतजार रहेगा ऐसे ही किसी सुपर हीरो का क्रिश पूर्व में। तब तक दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ इजाजत, बने रहिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है प्रतिमा। 15 अगस्त 1977 को ओहायो में बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप को अब तक का सबसे पावरफुल सिग्नल मिला था। ऐसा कोई सिग्नल पहले कभी रिसीव नहीं हुआ था। ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकेंड तक चला, लेकिन जब कुछ दिनों बाद एक एस्ट्रोनॉमर ने इसे एक कंप्यूटर प्रिंटआउट पर देखा तो वो उसे इतना इम्प्रेसिव लगा कि उसने जल्दी से वाओ पूरे पेज पर लाल पेंसिल लिख दिया। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल इंटेलिजेंस के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये डेटा यानी कि मैसेज ठीक वैसा दिख रहा था जैसा कि उन्हें एक एलियन इंटेलिजेंस के मैसेज से उम्मीद थी। जी हाँ, हालांकि कई बार दोबारा सर्च करने के बावजूद भी वो वाओ सिग्नल फिर कभी देखने को नहीं मिला। और जैसे ही ये बात बाहर निकली कुछ ही पलों में जनता का इमेजिनेशन टॉप लेवल पर पहुंच गया था। कुछ लोगों के लिए वाओ सिग्नल अब तक का एलियन लाइफ के बारे में पता लगाने वाला सबसे पावरफुल और प्रॉमिसिंग सिग्नल था दोस्तों। लेकिन कुछ लोग इसे साइंस से पब्लिसिटी की जीत के रूप में देख रहे थे। सेटी के सीनियर एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि ये सिग्नल एलियंस का था या फिर नहीं ये कोई नहीं जानता,
इस सिग्नल के पीछे क्या मीनिंग हो सकता था, उसके लिए किसी को भी कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। ये ऐसा है जैसे आप अपनी एक झोपड़ी में से जंजीरों की गड़गड़ाहट सुनते हैं और आपको तभी रियलाइज होता है कि भूत असल में होते हैं, लेकिन फिर वो आवाज आप दोबारा कभी नहीं सुनते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई है कि अगर सिग्नल का नाम वाव नहीं होता तो किसी ने इसके बारे में कभी सुना नहीं होता। सेटी के शुरुआती दिनों में इस तरह के वन टाइम सिग्नल्स बहुत आम थे। जी हाँ, जब कंप्यूटर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर एस्ट्रोनॉमर्स को नई डिस्कवरीज के बारे में इन्फॉर्म कर देते थे और रिसर्च का बहुत ही तेजी से फॉलो अप करते थे। 1977 की गर्मियों के एंड में जेहरी अहमद बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा के कंप्यूटर प्रिंटआउट के लेटेस्ट बैच को रिव्यू करने के लिए बैठ गया, जहां वो एक एस्ट्रोनॉमर के रूप में अपनी मर्जी से काम कर रहा था। बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी कई दिनों तक लगातार डेटा कलेक्ट कर सकती है और तब तक करती है जब तक कि कंप्यूटर का स्टोरेज खत्म ना हो जाए। जी हाँ, जब स्टोरेज फुल हो जाता है उस समय एक टेक्नीशियन उसकी जांच करता था, चीजों को रिसेट करता था और आकाश के एक नए सिरे पर फोकस करते हुए रिसर्च शुरू करता था। दोस्तों, बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी अपने समय के एस्ट्रोनॉमर्स के बीच फेमस था। इस टेलीस्कोप को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर ने डिजाइन किया था और ये 1960s में यूनिवर्सिटी स्टाफ, वॉलंटियर्स और पार्ट टाइम मजदूरों द्वारा बनाया गया था। इसे अब तक का सबसे एक्यूरेट रेडियो मैप स्काई बनाने का काम को पूरा करने के लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन फंड के पैसों से बनाया गया था। लेकिन बिग ईयर बाकी रेडियो टेलीस्कोप की तरह नहीं दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फुटबॉल के मैदान को सफेद पेंट से ढक दिया हो और गोल पोस्ट के पीछे दोनों साइड पर बेंचेस लगा दिए हो। ये बेंचेस असल में टेलीस्कोप के बड़े रिफ्लेक्टर से इसके रिसीवर तक रेडियो सिग्नल्स को पहुंचाने में मदद करते थे। हालांकि 1972 में जब बिग ईयर ने स्काई की मैपिंग पूरी कर ली तो टेलीस्कोप को एक नए काम की जरूरत थी। 1973 की शुरुआत में नासा ने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एलियन सिग्नल्स के लिए आसमान की खोज के लिए वॉलंटियर स्टाफ, यानी जो बिना सैलरी के अपने मर्जी से इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते थे, उन लोगों को इकट्ठा कर लिया और उनके इस एफर्ट को सपोर्ट किया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के अलावा डॉक्टरों, वकीलों, स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स और पूरी तरीके से अनरिलेटेड प्रोफेशन के लोगों के एक ग्रुप ने मिलकर काम करना शुरू किया। दोस्तों, सीनियर एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि उस वक्त वो बहुत कम बजट पर काम कर रहे थे और इसीलिए किसी को भी वो पे नहीं कर सकते थे। उसके लिए हर कुछ दिनों में डेटा के बड़े प्रिंटआउट्स को रिव्यू करना उसके काम का एक रेगुलर हिस्सा था। और 17 अगस्त 1977 को जैसे ही उसने पेपर्स के नए ढेर को देखा, उनमें उसे नंबर्स और लेटर्स का एक सेट दिखाई दिया, 6EQUJ5, जो इसका मतलब नहीं समझ सकता उनके लिए बकवास जैसा लगता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर के लिए इस डेटा का मतलब था कि बिग ईयर ने एक बहुत मजबूत सिग्नल उठाया था जो शुरू में कम था, फिर स्ट्रेंथ बढ़ी और फिर अचानक से सिग्नल गिर गया था। इसका मतलब था कि सिग्नल को उठाया गया था क्योंकि वो आसमान के एक स्पेशल एरिया डिटेक्टर के ऊपर से होकर गुजरा था और ये सिग्नल 50 चैनल में से सिर्फ एक चैनल में दिखाई दिया था। जी हाँ, ये एक ऐसा सिग्नल था जिसकी तलाश में एस्ट्रोनॉमर्स थे, क्योंकि फिर उन्हें ये पहचानने में देर नहीं लगी कि ये बेहद दिलचस्प था और एक ही शब्द वाओ ये उसके दिमाग में आया, जिसे उन्होंने उस पेज पर लिख दिया था। लेकिन जैसे ही उसने अगले दिनों के डेटा प्रिंटआउट चेक किए, उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि सिग्नल फिर से दिखाई नहीं दिए। बिग ईयर ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर और स्टाफ से मिलने के बाद ही उनका इंटरेस्ट और गहरा हो गया। साथ में उन्होंने आसमान के उस एरिया में किसी भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट की खोज की जो वाओ सिग्नल को एक्सप्लेन कर सके। एस्ट्रोनॉमर ने कॉमेट्स और प्लैनेट्स से लेकर सैटेलाइट सबको चेक किया, लेकिन वाओ सिग्नल का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं मिला। जी हाँ, टीम ने बिग ईयर टेलीस्कोप से एक महीने तक आसमान की उसी लोकेशन को ऑब्जर्व किया, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और एक साल बाद जब उन्होंने दोबारा कोशिश की, तब भी वाओ सिग्नल का कोई क्लू उन्हें नहीं मिला। लेकिन फिर भी बिग ईयर का ये प्रोजेक्ट 24 सालों तक लगातार चला, जिससे कि ये हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक चलने वाला रिसर्च बन गया।
लेकिन दोस्तों उस समय के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को वाओ सिग्नल जैसा कुछ और सिग्नल नहीं मिला और कोई भी सॉलिड कंक्लूजन ना निकलने की वजह से एक ही बात को माना जा सकता था कि ये सिर्फ एलियन ही ऐसा इम्प्रेसिव सिग्नल देने के लिए केपेबल हो सकते थे। 1998 तक ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने टेलीस्कोप को डिमोलिश कर दिया था और इन सालों में कई और एस्ट्रोनॉमर्स ने वाओ सिग्नल पर रिसर्च किया था और बताया कि सिग्नल या तो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था या इसे रिलोकेट कर रहा था। सीनियर एस्ट्रोनॉमर कहते हैं कि उन दिनों इस तरह के सिग्नल्स का केवल एक बार शो होना एक बहुत आम बात थी। कंप्यूटर में रियल टाइम फॉलो अप करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन अगर आज ये सिग्नल मिलता है तो कंप्यूटर कहेगा वाओ और सारे एस्ट्रोनॉमर्स वाओ सिग्नल की डायरेक्शन में टेलीस्कोप को हिलाना शुरू कर देंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वाओ सिग्नल असल में क्या था। एक बार जब ऑब्जर्वेटरी कंप्यूटर्स रियल टाइम फॉलो अप के लिए तैयार हो गए तो ऐसे मिस्टीरियस सिग्नल्स मिलने कम हो गए और ये टाइमिंग भी बिल्कुल ऐसी जैसे एलियंस को अब पता है कि ऐसे सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बेटर इक्विपमेंट्स हैं। सालों बाद भी सीनियर एस्ट्रोनॉमर को महीने में कम से कम एक बार ऐसे लोगों से ईमेल आते हैं जो उस प्रिंट आउट को देखते हैं और उस डेटा की हर तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं। दोस्तों लोग अक्सर इसे एक एलियन कोड के रूप में देखते हैं जिसे इंसानों के लिए एक डायरेक्ट मैसेज के रूप में ये भेजा गया हो, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि प्रिंट आउट पर नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहे एस्ट्रोनॉमर ने किया था जो कि खुद एक इंसान था। तो एक तरह से जरूरी नहीं है कि जो इंटरप्रेट हुआ वो असल में वही हो जो एलियंस ने हमारे लिए भेजा हो। लोगों को सिर्फ उस प्रिंट आउट को देखकर लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि मैसेज क्या है या एलियंस कितने बड़े हैं, लेकिन भले ही ये एलियंस की तरफ से ह्यूमंस के लिए पहला मैसेज था, एस्ट्रोनॉमर्स को अभी भी इसका अंदाजा नहीं है कि वाओ सिग्नल का मतलब क्या हो सकता था। 1977 में हुई एलियंस के वाओ मैसेज की मिस्ट्री, जिसका सही कारण या कहे सेंडर आज तक हमें मालूम नहीं चला है, ऐसी मिस्ट्री का यूज क्रिशपुर में किया जा सकता है। जी हाँ, हालांकि फिल्म में इस कहानी को थोड़ा चेंज करके ये वाओ सिग्नल सच में जादू और उसके साथी एलियंस की तरफ से इंसानों के लिए भेजा जा सकता है। असलियत में तो कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन क्रिशपुर में हम वाओ सिग्नल पर फिल्म को एंड होते एक गुड बाय के रूप में या कहानी के मेन प्लॉट के रूप में भी देख सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो क्रिस सीरीज की पहली फिल्म कोई मिल गया में भी जादू की एंट्री उनकी स्पेसशिप से मिले सिग्नल की वजह से हुई थी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। क्या कृष्णा ने पढ़ी डायरी? क्या कृष्णा जानता है काल के बेटे के ओरिजिन? क्या है प्रिया के सवाल? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम सब देख चुके हैं कि कैसे कृष्णा को अपने सपने में अपने पिता मेहरा की मेमोरीज और उनके सिंबल्स नजर आते थे जिन्हें वो डायरी में लिखता रहता था। उन्हीं में से एक थी उनकी काल के साथ बनी याद। कैसे काल ने डॉक्टर आर्या के आईडी को चुराया और उसे भी एक आइडिया आया कि वो भी एक संतान पैदा करेगा जिसे वो डीएनए मिक्सिंग से बनाएगा और दुनिया पर राज करेगा। अब यहाँ कृष्णा बताता है कि काल का ये सपना तो भले ही पूरा नहीं हो पाया कि वो राज करेगा, लेकिन उसने उस बच्चे को ऐसा बनाया था कि वो खुद से सोच सके, महसूस कर सके, यहाँ तक कि इंसानों की तरह बात भी कर सके। उसने इस बच्चे को काया से भी एडवांस बनाया। कृष्णा अपनी डायरी से कुछ आगे के पन्नों से शुरुआत करता है जहाँ उसने अपने पहले सपने का जिक्र किया होता है। पढ़ते हुए बताता है, यहाँ पापा काल को डॉक्टर आर्या की कहानी ऑलरेडी बता चुके थे, लेकिन अभी भी काल ने पापा का बोन मैरो नहीं लिया था क्योंकि उसने कहा कि मैं अपाहिज होते हुए ही अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल अपने दिमाग के लिए कर पाता हूँ। बोन मैरो मिलने के बाद ये शक्ति मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगी और मेरा दिमाग पहले से कमजोर हो जाएगा, इसलिए मैं अभी अपना पूरा दिमाग इसे बनाने में खर्च करना चाहता हूँ। ये कहते ही उसने पापा का डीएनए सैंपल और अपना डीएनए ले लिया।
और इसके साथ ही उसने हर उस जानवर के डीएनए को इनसे इन्फ्यूज किया जो पॉसिबल हो सके। बीच में एक डॉक्टर ने उसे रोकते हुए ये कहा कि काल क्या ये सही रहेगा, अगर हम इतने जानवरों के डीएनए को फ्यूज कर देंगे तो ये खुद ही नहीं जान पाएंगे कि हम क्या बना रहे हैं। ये सुनते ही काल उसे मारने वाला होता है कि पीछे से एक डॉक्टर बोलता है कि रुक जाओ काल, शायद इनकी बात में प्रैक्टिकलिटी की थोड़ी सच्चाई है, अगर हम ऐसे ही कई सारे डीएनए को फ्यूज कर देंगे तो शायद बॉडी तो जनरेट हो जाए लेकिन उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। पॉसिबल है कि इतने डिफरेंट एबिलिटीज के कारण उसका खुद पर भी कोई कंट्रोल नहीं हो, ऐसे में हम जो बनाएंगे वो शायद हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। अब ये बात काल को समझ आती है और वो इस एक्सपेरिमेंट को वहीं रोक देता है और गुस्से में आकर वो अपने लैब के सभी कांच तोड़ देता है, जिसे देखते ही कृष्णा का सपना टूट जाता है और वो जग जाता है। इसी के साथ उसकी डायरी का ये हिस्सा खत्म हो जाता है। ये सुनते ही प्रिया उसे कहती है, हाँ कृष्णा, शायद ये सब कुछ सच में हुआ था क्योंकि जब मैं लैब में थी तो कई दिनों तक मैं एक ही चैम्बर में बैठी रही, उस बीच कई दिनों तक मुझे काल और उसके डॉक्टर्स कहीं नजर नहीं आए, हो सकता है वो इसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही हूँ। लेकिन इसी के बाद कृष्णा उसे बताता है, ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि काल यहाँ नहीं रुका, उसने इस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकाल लिया और ये मुझे पता चला अपने एक और सपने में। अब इसके बाद कृष्णा अपने एक नए सपने के बारे में प्रिया को बताने लगता है, लेकिन उस सपने को सुनने के लिए आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी लेकर। तब तक आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि कैसे काल ने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तारा के आसपास आग फैली हुई है, वो क्रिश के आने का इंतजार कर रही है लेकिन क्रिश बाकी के मानवरों का मुकाबला कर रहा है। तारा सोचती है कि अब उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और उसके आसपास की आग बढ़ती ही जाती है और उस आग को देखकर सारा धीरे धीरे बेहोश होने लगती है, लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले वहाँ जल मानवर आ जाता है और उस फैली हुई आग को बुझा देता है और सारा को उसके पापा यानी कि डॉक्टर साइको की लैब में वापस ले जाता है। तो वही वो चौथा मानवर जो पूरा का पूरा मेटल का बन चुका था वो क्रिश के पीछे जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोस्तों क्रिश अपनी सुपर पावर्स की मदद से उसका सामना करता है लेकिन उस मानवर का शरीर पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ था, इसलिए उस पर क्रिश के किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। और तभी वहां अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है और जैसे ही क्रिश पीछे मुड़कर देखता है तो एक तरफ से आग और जल मानवर आ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ से वायु मानवर आ रहा था और इसका मतलब ये है कि अब क्रिश को चारों मानवरों ने घेर लिया था। जी हाँ, और तभी शुरू होती है उनके बीच की जंग। चारों मानवर अपने अपने मेन एलिमेंट का इस्तेमाल करके क्रिश को हरा रहे थे तो वहीं क्रिश अपने नए और अपग्रेडेड सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है। उसने 5 सालों में अपने ऊपर बहुत काम किया है और अब उसके पास हाई जंप्स और बाकी की सुपर पावर्स के साथ साथ अपने दिमाग की मदद से किसी भी चीज को हवा में उठाने और आयरन मैन की तरह हवा में उड़ने के भी सुपर पावर्स थे। लेकिन दोस्तों फिर भी वो चारों मानवर काल के अंश थे और उसमें भी डॉक्टर साइको ने उन पर कई एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें काफी ज्यादा खतरनाक बना दिया है, इसलिए क्रिश अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। दोस्तों और जो मानवर मेटल का बना हुआ था जो अर्थ यानी कि पृथ्वी मानवर है वो क्रिश पर काफी बुरी तरीके से वार कर रहा था और फिर वो आग मानवर को छूता है और खुद भी पूरा आग का बन जाता है और क्रिश को अपनी जकड़ में ले लेता है। और क्योंकि क्रिश का शूट काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बना हुआ था और वो आग को आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन तब भी क्रिश थोड़ा सा वीक होता जा रहा था, आग उसे काफी अफेक्ट कर रही थी। और इससे पहले कि वो चारों मानवर क्रिश को डॉक्टर साइको की लैब में लेकर जाते, फायर मानवर और अर्थ मानवर को एक जोर का झटका लगता है और उनकी क्रिश पर से पकड़ छूट जाती है और वो दूर जाकर कहीं गिर जाते हैं। जब क्रिश ऊपर देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी मदद करने के लिए कौन आया है और इससे पहले कि वो अपने बेटे यानी कि जूनियर रोहित जो इस वक्त लिटिल क्रिश के अवतार में आया है और जिसने फायर और अर्थ मानवर को अपने इलेक्ट्रिक पावर्स की मदद से जोर का झटका लगाया है, उससे बात कर पाता, वायु मानवर क्रिश पर हमला कर देता है। जी हाँ,
और उसके आसपास हवा का बवंडर बनाता है और उस बवंडर में उसे उठाकर वो वहां से उड़ जाता है और जूनियर रोहित अपने पापा के पीछे जा पाता उससे पहले बाकी के तीनों मानवर उस पर हमला कर देते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो अब लिटिल क्रिश कैसे करेगा उन मानवरों का सामना और मानवरों ने क्यों बचाया आखिर सारा को और वो कहां ले गए क्रिश को, ये हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इस वीडियो पर अपने व्यूज जरूर बताएं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए। ये घटना सन 1935 की है और इसी वक्त भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास भी किया गया था। उसी दौर की बात है जब विक्टर गॉडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का फैसला लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था, मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज डिसबैलेंस हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गॉडार्ड ने देखा कि वो एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए हैं जो देखने में काफी आधुनिक दिख रहा था। ये सब देखकर वो घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यहाँ पर पूरा काम हो रहा था। विक्टर ने वहां और भी कुछ देखा जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां चार पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के वर्कर्स दिख रहे थे। ये सब देखकर वो घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया और फिर वो उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वो रास्ता भटक गए, मगर तूफान शांत होने के बाद वो किसी तरह अपने शहर पहुंच गए। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा गया था और तो और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन्स भी बनाए गए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर टाइम ट्रैवल करके समय में 4 साल आगे आ गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। आपको ये टाइम ट्रैवल और भविष्य इन सब बातों के बारे में बताने का हमारा बस एक ही मोटिव है और वो ये है कि क्रिश के मेकर्स क्रिश 4 के साथ आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार वो इसी तरह की कहानी हमारे सामने लेकर आए। क्या है काल के बेटे की ओरिजिन के फिल्म में फिर दिखेगी काल की कहानी, क्या था काल का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एक बड़ी सुपर हीरो मूवी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं उसके कैरेक्टर्स। हाँ बेशक VFX और CGI तो जरूरी है ही, लेकिन यहाँ मैं फिल्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ और उसमें सबसे टॉप पर आते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स जो स्टोरी को और भी खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन अगर स्पेशली सुपर हीरो जॉनर की बात हो रही है तो यहाँ सुपर हीरो के साथ साथ सुपर विलन भी बहुत मायने रखता है और इसी कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल मिला था हमें 2013 की क्रिश 3 में, जहाँ काल के कयामत को देख सभी दीवाने हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि काल मर चुका है, क्रिश अपने बेटे को उसकी खास ताकतों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखा रहा है और सब कुछ शांति से चल ही रहा है। बट अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आएगा जब शहर में एक नए सुपर पावर्ड बींग की एंट्री होगी और ये कोई और नहीं बल्कि काल की संतान होगी। सही सुना आपने, काल के बेटे आने वाले क्रिश 4 का मेन विलन हो सकता है। अब ये कहां से आया इसकी कहानी फिल्म में एक फ्लैशबैक में समझाई जाएगी। असल में जब काल को रोहित मेहरा के बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही उन्हें किडनैप कर लिया उन्होंने उनके बोन मैरो को चुराने के लिए। लेकिन साथ ही रोहित मेहरा उसके लिए एक खजाने की तरह थे क्योंकि रोहित मेहरा से मिलते ही काल को अपनी ओरिजिन और डॉक्टर आर्य के एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया। और जब रोहित के DNA से बना काल इतना पावरफुल है जिसे डॉक्टर आर्य ने इतने समय पहले बनाया था, तो अब इस एडवांस्ड टेक और काल के दिमाग के साथ वो रोहित मेहरा के DNA से क्या क्या कर सकता है। अब क्योंकि काल हमेशा से ही एक्सपेरिमेंट से घिरा रहा है तो उसके दिमाग में इसको लेकर कई सारे आइडियाज थे, लेकिन वो इनमें से अपना सबसे बड़ा आइडिया चुनता है जो होता है अपना एक बेटा पैदा करना। लेकिन वो इसे डॉक्टर आर्य के एक्सपेरिमेंट से भी ज्यादा एडवांस करना चाहता था, इसलिए वो रोहित मेहरा अपने और लैब में मौजूद कई अलग अलग स्पीशीज के DNA को आपस में फ्यूज करता है और क्योंकि रोहित और काल का DNA सेम ही था तो बस उन स्पीशीज का इंतजार था जो उन दोनों के DNA से मैच कर सके। वो इसे अपना सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट बताता है और सभी स्पीशीज के DNA को फ्यूज करके एक बॉडी तैयार करने को कहता है। अब इसी बीच एक डॉक्टर उसे रोकता भी है।
ये कहकर कि शायद ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो उसे मारकर ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेता है। बट क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बाकी सभी से अलग होता है तो इसके बॉडी जनरेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इस बीच वो रोहित मेहरा का बोन मैरो ले लेता है। अब इसके बाद क्या हुआ ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन साथ ही फिल्म के बैकग्राउंड में क्रिश फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा विलन तैयार हो रहा था। अब कैसे ये फिल्म में एंट्री लेगा, क्या होगी इसकी पावर्स, और कैसे होगा इसका फिजिकल अपीयरेंस, ये सब हम जानेंगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। इसने किया रोहित मेहरा के कंप्यूटर को हैक, कौन करना चाहता है जादू और उसके प्लैनेट पर कब्जा, क्या क्रिश बचा पाएगा जादू और उसके प्लैनेट को। नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए, हमने आपको ये खबर तो पहले ही दे दी थी कि बहुत जल्द आने वाली है क्रिश 4 में हमें नजर आएंगे ऋतिक रोशन इन द रोल ऑफ क्रिश। वही उनके साथ हमें प्रिया के रूप में नजर आने वाली है प्रियंका चोपड़ा। क्रिश 4 ऋतिक रोशन की द मोस्ट अवेटेड मूवी है। हाल ही में रिलीज हुई विक्रम वेदा की सक्सेस के बाद अब सब लोगों को इंतजार है ऋतिक रोशन की क्रिश 4 का। दरअसल क्रिश सीरीज है ही इतनी बढ़िया कि क्रिश सीरीज की हर फिल्म ऑडियंस को बहुत एंटरटेन करती है, खासकर कि बच्चों को तो काफी ही पसंद आती है क्रिश की मूवीज। तो चलिए, अब क्रिश 4 की हम आपको एक फैन बेस्ड स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। तो क्रिश 4 की शुरुआत होगी ऐसे कि उसमें क्रिश और प्रिया का बेटा होगा। क्रिश 4 की शुरुआत वहीं से होगी जहां क्रिश 3 खत्म हुई थी। क्रिश 3 के एंड में हमें दिखाया गया था कि क्रिश और प्रिया का एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं रोहित मेहरा। रोहित मेहरा के पास भी होती है स्पेशल सुपर पावर्स और वो उन्हीं के साथ पैदा होता है। अब रोहित मेहरा हो गया है 15 साल का और वो अपने दादाजी की तरह ही काफी समझदार और काफी पावरफुल भी है। हालांकि वो काफी इंटेलिजेंट भी है अपने दादाजी की तरह ही। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ऐसा होता है कि एक दिन अपने दादाजी की लैब में जूनियर रोहित को मिलता है एक कंप्यूटर, यानी कि उसके दादाजी का कंप्यूटर। उसमें उसे कुछ कोड्स नजर आते हैं और वो ये सोचता है कि कंप्यूटर में कोड्स कैसे। वो जाकर जब देखता है, एग्जामिन करता है, तो उसे ये समझ आता है कि कंप्यूटर में कोड्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद कोई उसका कंप्यूटर, उसके दादाजी का कंप्यूटर हैक करने की कोशिश कर रहा है। वो कंप्यूटर हैक होने से तो नहीं बचा पाता, लेकिन वो पूरी जानकारी निकाल लेता है कि हैक किसने किया। दरअसल उसके दादाजी का कंप्यूटर हैक हो रहा था फ्लोरिडा शहर के एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर से। वहां पर उस रिसर्च सेंटर के ओनर का नाम था जॉनस और वो रिसर्च सेंटर कोई स्पेसिफिक, कोई ऑथेंटिक रिसर्च सेंटर नहीं था। उसमें कुछ कई इल्लीगल काम भी होते दिखाई दे रहे थे। दरअसल ऐसा था कि साइंटिस्ट है जॉनस नाम का और वो ये समझ चुका है कि आने वाले कुछ सालों में धरती इंसानों के रहने लायक तो बिल्कुल नहीं बचेगी। इसीलिए वो कई सालों से रिसर्च कर रहा है एक दूसरे प्लैनेट की, एक ऐसा प्लैनेट जो धरती से ही मिलता जुलता हो, जो धरती जितना खूबसूरत हो। तभी उसे पता चलता है जादू के प्लैनेट के बारे में। जी हाँ, जादू जिस प्लैनेट पर रहता है उस प्लैनेट का नाम है हेवन और वो प्लैनेट काफी ही खूबसूरत है। सारे प्लैनेट्स में सबसे सुंदर, सबसे प्यारा प्लैनेट है वो वाला और उसका पता चलता है जॉनस को। इसी बीच ये भी पता चलता है कि उस प्लैनेट पर कोई भी एलियन बीमारी से नहीं मरता, ना ही कोई एलियन बूढ़ा होता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अमेजिंग नया प्लैनेट कैसा होने वाला है। इसी बात का पता जब चलता है जॉनस को, तो जॉनस को ये भी पता चलता है कि जादू जो था उस प्लैनेट का रेजिडेंट जादू, उसकी बातचीत हुई थी एक बार रोहित मेहरा से। रोहित मेहरा जो इंडिया में रहते थे, उनके कंप्यूटर के थ्रू उसकी और रोहित की बातचीत हुई थी। ये बात का पता जब जॉनस को लगता है तो वो वहां से बैठे बैठे रोहित मेहरा का कंप्यूटर हैक कर लेता है, सारा डेटा अपने पास चुरा लेता है और वो सिग्नल भेजकर बुलाता है जादू को धरती पर। जब जादू धरती पर आता है तो उसके बाद जॉनस कई सारे लोगों को लेकर, अपनी टीम को लेकर, अपनी स्पेसिफिक टीम को लेकर निकल जाता है उनके प्लैनेट पर। उनके प्लैनेट पर जाकर वो वहां का राजा बनना चाहता है,
वहाँ पर सारे प्लैनेट पर राज करना चाहता है वो। इसके बाद वो वहाँ पर राज करना शुरू भी कर देता है और धीरे धीरे करके वो इस धरती से कई सारे लोगों को उस प्लैनेट पर पहुंचा रहा है और वहाँ के एलियंस को बंदी बना रहा है। इसके बाद जब क्रिश को इस बात का पता चलता है, जूनियर रोहित ये बात क्रिश अपने पिता को बताते हैं, तो क्रिश ठान लेता है कि मुझे जादू को बचाना है क्योंकि वो जानता है जादू कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो जब अमेरिका जाता है, फ्लोरिडा जाता है, वहां पर वो जॉनस के पूरे रिसर्च लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी बीच ये भी पता चलता है जॉनस तो अर्थ पर है ही नहीं, वो उस प्लैनेट पर बैठा है, उस प्लैनेट पर राज कर रहा है। जॉनस वहां पर जादू से कहता है, जब जॉनस को ये बात पता चलती है कि क्रिश ने पूरा लैब डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो जादू से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा और क्रिश का कितना कनेक्शन है, क्रिश तुम्हारे बचपन के दोस्त रोहित मेहरा का बेटा है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आएगा। इसी बीच वो ये भी कहता है कि लेकिन जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर तुम्हारी दी हुई स्पेशल पावर्स काम नहीं करेंगी क्योंकि वो सारी स्पेशल पावर्स सिर्फ धरती पर काम करती है, उसके बाहर काम नहीं करती। उतने में क्रिश एंट्री लेता है और क्रिश वहां के जॉनस के सारे आदमियों को मार देता है अपनी नॉर्मल ताकत से ही। लेकिन जब वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने जा रहा होता है तो उसकी सुपर पावर्स काम ही नहीं करती। ये देखकर क्रिश बहुत शॉक हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और उसके बाद क्रिश पर जोरदार वार करता है जॉनस और उसे मार के गिरा देता है। क्रिश को इतनी ज्यादा चोटें लगती हैं कि वो बेहोश होने लगता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। इसी बीच जादू उसको संभालने के लिए आ रहा होता है, तभी जॉनस कहता है क्रिश से कि देखो कितना सुंदर प्लैनेट है ये, इस पूरे प्लैनेट पर सिर्फ इंसानों के रहने की जगह होनी चाहिए, ऐसे एलियंस के रहने की नहीं। तुम इस एलियन के लिए, इस जादू के लिए क्यों इतनी तकलीफ सह रहे हो, मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस पूरे प्लैनेट पर राज करेंगे। ये बात सुनते ही क्रिश कहता है कि तुम तो इंसान हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम किसी और से उसका घर छीन रहे हो, अगर कोई इंसान होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता, ऐसे काम सिर्फ राक्षस कर सकते हैं और तुम्हारा भी अंत होगा वैसे ही जैसे शुरू से सारे राक्षसों का अंत होता आया है, तुम जीत नहीं पाओगे। ये बात सुनकर जॉनस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार वार करता है क्रिश पर। क्या क्रिश इस वार को झेल पाएगा, क्या क्रिश इस वार के बाद जिंदा रह पाएगा, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसकी होने वाली है फिल्म में री एंट्री, कैसे बन गए जॉनी लीवर डॉक्टर, क्या है फिल्म की कहानी? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। 2003 में स्पेसशिप से आया जादू जिसने एबनॉर्मल रोहित की जिंदगी को बदल ही दिया और बॉलीवुड को मिल गया उसका अपना सुपर हीरो क्रिश। 2013 में आए इस फिल्म के लास्ट पार्ट के बाद अब इसके चौथे पार्ट की चर्चा जोरों पर है और आखिर कब आएगी क्रिश 4। बात करें फिल्म के प्लॉट की तो इस बार की कहानी में फिल्म के पहले पार्ट से फेमस हुए किरदार जादू की एंट्री फिर से हो सकती है। वैसे तो राकेश रोशन हर वो कोशिश करते हैं जिससे फिल्म सफल हो सके और दर्शक भी खुश हो जाएं। हमें ऐसी खबर मिली है कि इस बार जादू वापस आएगा धरती पर, जिसका पता कृष्णा को हो जाता है। जादू जहां रहता है वहां पे किसी चीज़ की कमी हो जाती है जिससे उसके साथी मरने लगते हैं। ऐसे में वो कृष्णा से मदद मांगता है जिससे कृष्णा जादू के साथ उसकी जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इस फिल्म में जादू की फैमिली और उसके बाकी के साथियों की होगी एंट्री और कृष्णा से मुलाकात। लेकिन कृष्णा जादू के परिवार की कैसे मदद करेगा ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। अब बात करें ऋतिक की तो वो जितने हैंडसम और चार्मिंग दिखते हैं उनकी उतनी ही डैशिंग बॉडी है, अंदर से वो कितने कमजोर हैं इस बात का खुलासा फिल्मों के कॉमेडियन जॉनी लीवर ने किया। उन्होंने बताया कि ऋतिक की पहली फिल्म कहो ना प्यार के सेट पर ऋतिक को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ था और उसी समय जॉनी ने ईसाई धर्म को अपना लिया था और सच्चे मन से प्रे करने लगे थे जिससे वो एक ब्रदर कहलाए जाने लगे थे और केवल प्रे से ही लोगों के जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को वो सॉल्व कर देते थे। ऐसे में उनके पास लोगों की अच्छी खासी भीड़ होने लगी थी। ये बात जब राकेश रोशन को पता चली
तो उन्होंने ऋतिक को इसका इलाज कराने के लिए बोला, क्योंकि ऋतिक को काफ़ी समय से पेट में तकलीफ थी, जिससे जॉनी के बुलाने में ऋतिक उनके पास गए और पूछा क्या प्रॉब्लम है, जिसमें ऋतिक ने कहा कि उनके पेट में पथरी है, जिसमें जॉनी अपनी वैनिटी वैन में बाइबल पढ़ रहे थे। तब ऋतिक ने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई, जिस पर जॉनी ने इन द नेम ऑफ जीसस बोलकर 2 मिनट के लिए प्रे की और ऋतिक का पेट का दर्द एकदम ठीक हो गया, जिसे एक चमत्कार माना जाता है। इसके अलावा जॉनी ने सिंगर मिताली सिंह का इलाज करने का क्लेम किया था, जिन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनके प्रे करने पर उनका कैंसर ठीक हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्या आपको भी क्रिश 4 का इंतज़ार है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। कहाँ हुई थी कोई मिल गया की शूटिंग? क्या थी स्टोरी इस फिल्म की? क्या क्रिश 4 भी बनेगी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज पे और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई मिल गया मूवी के बारे में और कहाँ कहाँ पर इस मूवी की शूटिंग हुई थी उसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम आपको इस मूवी का रिकैप देंगे। यहाँ एक मेंटली वीक रोहित मेहरा, जिसका रोल ऋतिक रोशन ने प्ले किया था, उसे अपनी उम्र की मैच्योर नैना यानी कि प्रीति जिंटा से प्यार हो जाता है। रोहित की माँ रेखा उसका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है और पापा मिस्टर मेहरा एक साइंटिस्ट होते हैं, जिनकी डेथ मूवी के स्टार्टिंग में ही हो जाती है। मिस्टर मेहरा ने एक कंप्यूटर डिजाइन किया होता है जिससे स्पेस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और दोनों लीड्स मिलके ऐसे ही एलियन जादू को धरती पर बुला लेते हैं। रोहित उसके पावर से स्ट्रांग हो जाता है और सिंगापुर चला जाता है। अपनी वाइफ के गुजरने के बाद यहीं से मूवी खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं मूवी की शूटिंग लोकेशंस की। सबसे पहले आती है नैनीताल, उत्तराखंड। इस मूवी के कई सीन्स नैनीताल की वादियों में शूट हुए, इंक्लूडिंग द टाइटल सॉन्ग। मेकर्स ने यहाँ की ब्यूटी का पूरा फायदा उठाते हुए शूटिंग करी और तब से ये ट्रैवलर्स के लिए एक बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। दूसरे नंबर पर आती है कसौली, हिमाचल प्रदेश। कसौली रोहित मेहरा का होम टाउन बना और इसकी हिस्ट्री के कारण ये प्लेस काफी चार्मिंग है। ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज यहाँ सेट करके इसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बेस बनाया था। तीसरे नंबर पर आती है भीमताल, उत्तराखंड। भीमताल की कई सी हिस्टोरिक आइकॉनिक स्टोरीज हैं जो काफी पॉपुलर हैं। मूवी में निशा का घर यहीं पे था, जो लोकेशन नैनीताल से काफी पुरानी है। चौथे नंबर पर आती है कनाडा, कोई मिल गया का पॉपुलर गाना हाइला हाइला कनाडा में शूट हुआ था। बड़ी बड़ी बर्फ से भरी चट्टाने और साफ सुंदर नीली लेक्स इस सॉन्ग की अट्रैक्शन है। अब दोस्तों जल्दी हमें बड़े पर्दे पर इस क्रिश फ्रेंचाइजी की फोर्थ मूवी यानी कि क्रिश 4 दिखेगी। इसकी शूटिंग जून में स्टार्ट होगी और ऋतिक रोशन इसमें भी लीड रहेंगे, पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी फीमेल एक्ट्रेस लीड बनेगी। डायरेक्टर रोशन ने काफी हाई होप्स दे दी हैं हमें मूवी को लेकर और ऋतिक ने भी सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट किया है। क्यों मारा रेखा ने ऋतिक को थप्पड़? कैसे रिलेटेड है ये स्टोरी प्रिटी की रियल लाइफ से? क्या ऋतिक बचपन में सच में हुए थे बुली का शिकार? सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कोई मिल गया। तो बिना वक्त जाया के दर्शकों शुरू करते हैं आज का वीडियो कोई मिल गया मूवी के बारे में। अब आपको तो पता ही है ये मूवी 2003 में आई थी, स्टारिंग ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा एंड रेखा। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन की है और उसके बाद इस पे कई सीक्वल्स भी बन चुके हैं और अब एक और यानी कि क्रिश 4 बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्रिश 4। ऋतिक इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर चुके हैं और अब इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। तो चलिए बात करते हैं कोई मिल गया के बारे में अब और बिना किसी डिले के। मूवी की स्टार्टिंग में रोहित मेहरा के फादर एक कार क्रैश में मर जाते हैं, जो कि रियल लाइफ में लीड एक्टर प्रीति के पेरेंट्स के साथ हुआ था जब वो सिर्फ 13 साल की थी। रोहित यानी कि ऋतिक इस मूवी में चश्मा पहनते हैं और काफी ढूंढने के बाद वो कहो ना प्यार है वाले ही स्पेक्स चूज करते हैं। लगता है वो स्पेक्स उन्हें काफी ही पसंद आ गई थी। राकेश रोशन की पहली चॉइस निशा के रोल के लिए प्रीति नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय थी, पर ये हो ना पाया। तो जस्ट इमेजिन उन्हें इस रोल में ऋतिक के साथ डांस करते हुए, आया ना मजा।
ऋतिक इस मूवी से पहले एक्टर बने जिन्होंने बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स दोनों ही अवार्ड जीत लिए। पर सून आफ्टर हिम रणबीर कपूर ने रॉक स्टार और अमिताभ बच्चन ने ब्लैक के लिए भी ये दोनों अवार्ड जीते। मूवी कोई मिल गया में एक सीन होता है जहां रेखा रोहित को धमकाती है और कहती है कंप्यूटर ना यूज करने को, पर रोहित नहीं मानता। ऋतिक को लगता है कि ये धमकी सिर्फ जो है स्क्रीन प्ले का पार्ट है, लेकिन एक्शन बोलते ही रेखा ने उन्हें सच में थप्पड़ मार दिया और ऋतिक दंग रह गए। ये मूवी इंडिया की तीसरी साइंस फिक्शनल म्यूजिक फिल्म बनी। डायरेक्टर राकेश रोशन, कई एक्टर्स जैसे कि ऋषि कपूर के पास गए रोहित के बाप यानी डॉक्टर मेहरा के रोल के लिए, पर नकारे गए। इसके बाद ऋषि ने उन्हें कहा कि ये रोल राकेश को खुद करना चाहिए। जब माँ को कास्ट करने की बारी आई तो राकेश चाहते थे कि रेखा ये रोल करे, पर उन्हें डर था कि वो कहीं मना ना कर दे, इसीलिए वो रेखा के घर स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए गए और पूरी स्क्रिप्ट सुन के रेखा इतनी एक्साइटेड हो गई कि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि वो ये रोल करना चाहती हैं। यही नहीं, ऋतिक के मूवी में जो भी बुलिंग सीन्स थे वो रियल लाइफ से इंस्पायर थे, स्पेशली वो साइकिल तोड़ने वाला। इस मूवी की दो एंडिंग सोची गई थी, या तो जादू अपनी शक्तियां वापस ले जाए या उन्हें यहीं पर छोड़ जाए, पर बॉलीवुड ऑडियंस को समझते हुए मेकर्स ने इस मूवी को हैप्पी एंडिंग देने की सोची। अनडाउटली ये तरकीब काम आई। हमें आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सेकेंड पार्ट भी बनाएं तो हमें कमेंट्स में बता ही दीजिएगा। सो दिस इज मी अलीशा चोपड़ा योर होस्ट साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। फॉर राइटर उत्कर्ष मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। क्रिश के बेटे की पावर्स, क्या होंगी क्रिश के बेटे की पावर्स? क्या बॉलीवुड को मिलेगा एक नया सुपर हीरो? कैसे दो हीरोज को कवर करेंगे मेकर्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, जब से बॉलीवुड ने ऑडियंस के सामने ब्रह्मास्त्र नाम की ब्लॉकबस्टर परोसी है, उसके बाद से ही फैंस की उम्मीद बॉलीवुड को लेकर एक बार फिर जग उठी है। और ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर आने वाले कुछ बिग प्रोजेक्ट्स की वजह से बॉलीवुड ऑलरेडी सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन बॉलीवुड में लिस्ट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अभी तो सिर्फ अनाउंस ही हुए हैं, लेकिन अभी से ही एक अच्छी खासी हाइप क्रिएट किए हुए हैं। फैंस अभी से ही इन फिल्मों को आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इन्हीं फिल्मों में से एक है ऋतिक की बिगेस्ट फ्रेंचाइजी क्रिश, इंडिया का वन एंड ओनली सक्सेसफुल सुपर हीरो क्रिश अब फाइनली वापस आने वाला है। हालांकि अभी फिल्म को लेकर सिर्फ अनाउंसमेंट ही हुई है और अभी से ही फिल्म को लेकर फैंस के बीच इतनी एक्साइटमेंट बनी हुई है कि फैंस फिल्म को लेकर काफी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ऋतिक अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में इतने बिजी हैं कि फाइनल ईयर तक और मिड तक वो इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। अभी उनकी विक्रम वेदा के बाद वो उनकी नेक्स्ट ईयर आने वाली फाइटर की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे और उसके बाद ही वो क्रिश की शूटिंग पर वर्क कर पाएंगे। फिलहाल फिल्म को लेकर कई सारे सवाल फैंस के मन में आ रहे हैं, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या इस बार फिल्म में ऋतिक 2 सुपर हीरो के रोल में दिखेंगे? क्योंकि अगर हम कहानी पर फोकस करें तो आने वाली फिल्म में हमें क्रिश और उसका बेटा रोहित दोनों ही सुपर पावर्स में दिखेंगे और ऐसे में ये सवाल बहुत कॉमन है कि क्या ऋतिक क्रिश के साथ साथ एक और सुपर हीरो के रोल में भी दिखेंगे। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि अब उन्हें डॉक्टर मेहरा के रोल को प्ले नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे में वो अपने बेटे का यंग कैरेक्टर आसानी से प्ले कर सकते हैं। बट ये बॉलीवुड की वन एंड ओनली मूवी होगी जिसमें हमें एक से ज्यादा सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि फिल्म में हमें क्रिश के साथ साथ उसके बेटे की भी सुपर पावर्स देखने को मिलेंगी। बट एक सवाल और जो फैंस के बीच मैटर ऑफ डिस्कशन बना हुआ है कि आखिर क्रिश के बेटे की सुपर पावर्स क्या होंगी, तो अब इसके जवाब में थ्योरीज तो कई मिली लेकिन फैक्चुअल आंसर्स का सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहली पावर है फ्लाइंग एबिलिटी। क्रिश की तरह वो सिर्फ कूदकर हवा में नहीं उड़ सकता बल्कि डायरेक्टली हवा में फ्लोट भी कर सकता है। साथ ही कुछ सोर्सेज का कहना है कि क्रिश के बेटे में उसके पिता से भी ज्यादा एडवांस पावर्स होंगी, यानी जिस एबिलिटीज की वजह से हम क्रिश को जानते हैं हमें उसके बेटे में वो सब और भी एडवांस लेवल पर देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल फिल्म में हमें क्रिश का बेटा खुद क्रिश से बेटर दिखने वाला है। अब उसके पास एक्चुअली कौन कौन सी सुपर पावर्स होंगी? क्रिश के सपने और डायरी का सच, क्या है डायरी का राज? क्यों परेशान है कृष्णा? क्यों डरा रहे हैं कृष्णा
को उसके सपने। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कृष्णा की कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है, और जैसा कि हमने अब तक की स्टोरी डिस्कस की, जिसमें हमने अब तक जाना कि कैसे कृष अपने बेटे रोहित को एक अननोन और इनविजिबल सुपरनैचुरल बीइंग से बचा लिया है, जिसका सामना खुद रोहित नहीं कर पा रहा था, जो पावर्स के कंपैरिजन में कृष से भी दो कदम आगे था, और कैसे घर लौटने के बाद कृष्णा तुरंत ही अपने लैब में भागा बिना किसी को कुछ बताए, और थोड़ी देर बाद उसने अपने लैब में एक डायरी निकाली जिसमें कुछ पढ़ने थे, और वो जब उसने पढ़े वो बहुत ज्यादा घबरा गया, और इस पूरे इंसिडेंट को प्रिया ने पीछे से देख लिया। और अब यहाँ प्रिया अचानक से उसके सामने आती है और पूछती है, ये क्या हो रहा है कृष्णा, रोहित इतनी बुरी तरह घायल है, तुम भी बिना उसे देखे लैब में आ गए, और ये कैसी डायरी है? वो और कुछ पूछ पाती इससे पहले रोहित जोर से डायरी को टेबल पर पटक देता है और अपने सिर पर दोनों हाथ रख कर बैठ जाता है। वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और अच्छी खासी टेंशन में दिख रहा होता है, जिसे देखकर प्रिया भी समझ जाती है कि उसे कोई चीज परेशान कर रही है। अब यहाँ प्रिया उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसके सामने बैठ जाती है, और बिना कुछ बोले ही उसे उसके मन की बात पूछने लगती है। कृष्णा समझ जाता है कि उसकी परेशानी की वजह से प्रिया भी परेशान हो रही है। वो प्रिया के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब सच होगा। प्रिया उसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जिसके जवाब में कृष्णा फिर गुस्से में खड़ा हो जाता है और तेज आवाज में कहता है, हाँ इसमें मेरी ही गलती है, ये मेरी ही गलती है कि इसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मुझे ये सब पता था, पहले से ही पता था कि ये सब होगा, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। प्रिया फिर उससे पूछती है, क्या नहीं बताया कृष्णा, और तुम्हें ये सब पहले से पता था, ये सब क्या बोल रहे हो? इसके जवाब में कृष्णा कहता है, हाँ मुझे ये सब पता था, असल में जब काल से लड़ने के लिए पापा ने मुझे अपनी शक्तियाँ दी और खुद को कुर्बान कर दिया, तब उन्होंने सिर्फ अपनी शक्तियाँ मुझे नहीं दी थी, बल्कि वो खुद मुझसे जुड़ गए थे। ये सब समझाना काफी मुश्किल है, लेकिन पापा अभी भी मेरे साथ है, मुझे वो महसूस होते हैं, मेरे मन में, मेरे दिमाग में। शुरुआत में मुझे ये सिर्फ पापा की याद जैसा लगा कि शायद मैं उन्हें याद करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है, पर धीरे धीरे मुझे उनकी यादें दिखने लगी, उनकी मेमोरीज मेरे सपनों के रूप में मेरे सामने आने लगी। प्रिया पूछती है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जिसके जवाब में कृष्णा कहता है, इसका मतलब ये प्रिया की पापा की यादें और उनकी बातें मुझे अपने सपनों में दिखाई पड़ती है। शुरुआत में मुझे ये सिर्फ एक इत्तफाक सा लगा, फिर जब मैंने देखा कि मेरे सपनों में सिर्फ पापा की आवाज और उनकी नजरों से देखा गया वो इंसिडेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने इन सब चीजों को लिखना शुरू कर दिया। मुझे लगा हो सकता है पापा मुझे कुछ बताना चाह रहे हो, और एक दिन मुझे कुछ ऐसे बातें पता चली जिन्हें मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो सब भी मैंने इस डायरी में लिखी, पर वो कुछ ऐसा था जिसे मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कभी हकीकत बनकर मेरे सामने भी आ जाएगा, पर आज जो हुआ उसके बारे में मैं पहले से ही जानता था। अब आखिर कृष्णा ने अपने सपने में इस अननोन बीइंग के बारे में क्या देखा था और क्या क्या था जो उसके पापा ने उसे बताया था, ये सब हम जानेंगे, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि अभी तो कहानी का सिर्फ पहला पन्ना ही खुला है, अभी तो कई नए राज सामने आने बाकी है। क्या प्रियंका होंगी फिल्म का हिस्सा? कौन करेगा फिल्म में आइटम सॉन्ग पर डांस? बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन यूं तो हमेशा अपने लुक्स की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में होने की वजह उनके लुक्स नहीं बल्कि उनकी अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिश फ्रेंचाइजी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिश 4 के बारे में। ये एक सुपर हीरो फिल्म है और इसे ऑडियंस खूब पसंद करती है, क्योंकि इस फिल्म से हमें इंडिया का पहला सुपर हीरो मिला था। साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म क्रिश 3 ने ऑडियंस के बीच खूब कमाल किया था, और अब जल्द ही इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट रिलीज होने वाला है। इस फिल्म को हमेशा की तरह डायरेक्टर राकेश रोशन ही डायरेक्ट करने वाले हैं, और फिल्म में लीड रोल के तौर पर हमें हमारे ऋतिक रोशन ही नजर आने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें फिल्म में काम करने वाली फीमेल लीड एक्ट्रेस की, तो इसमें हमें पीसी यानी हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का चेहरा नजर आ सकता है। ऑडियंस ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया था, और अब ये जोड़ी जल्द ही वापसी कर रही है बड़े पर्दे पर। इसी के साथ आपको बता दें कि इस फिल्म में भी बाकी फिल्मों की तरह एक आइटम सॉन्ग होगा, और इस आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करने के लिए मेकर्स ने कई नामी और पॉपुलर एक्ट्रेसेस को अप्रोच भी किया है।
हमें मिली खबर के मुताबिक इस फिल्म में हमें बॉलीवुड की टाइग्रेस कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती हैं। और इतना ही नहीं, इस सॉन्ग पर हमें ऋतिक रोशन भी बीच बीच में उनका साथ देते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऋतिक रोशन और पीसी स्टारर ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमा घरों में रिलीज की जा सकती है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स। वक्त और जिंदगी पर जीत हासिल करने की सोच रखने वाला एक रहस्य विज्ञान का एक जीनियस। कई सालों से जारी इसकी रिसर्च अब दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। बॉलीवुड में सुपर हीरो मूवीज का कॉन्सेप्ट डायरेक्टर राकेश रोशन लेकर आए थे। डायरेक्टर राकेश रोशन ने क्रिश 3 मूवी बनाई थी। ये फिल्म लगभग 7 साल पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और विवेक ओबेरॉय समेत कई नामी कलाकार शामिल थे। और अब मेकर्स फिल्म के अगले पार्ट को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के अगले पार्ट में प्रियंका चोपड़ा ऋतिक रोशन के साथ मेन लीड में अभिनय करती हुई नजर आ सकती हैं। फिल्म में काम कर रहे लीड एक्टर ऋतिक रोशन इन दिनों अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर सुर्खियों में हैं। खबर है कि ऋतिक रोशन एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। इन दोनों एक्टर्स को एक साथ कई बार देखा जा चुका है और यही वजह है कि लोग इन पे रिलेशनशिप की उंगलियां उठा रहे हैं। हालांकि अभी इन दोनों सेलेब्स में से किसी ने अपने रिलेशनशिप की कंफर्मेशन नहीं दी है, और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि ऋतिक अपनी अपकमिंग मूवीज को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक्टर ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन और पिता राकेश रोशन हाल ही में मुंबई के एक मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। खबर है कि ये दोनों वहाँ महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए गए थे। इस पूजा में परिवार के सभी सदस्य शामिल थे। हालांकि ऋतिक रोशन इस पूजा में शामिल नहीं हो पाए थे अपने बिजी शेड्यूल के कारण। राकेश रोशन जल्द ही फिल्म क्रिश 4 लेकर आ रहे हैं। इस बाप बेटे की जोड़ी ने कई सारी फिल्में साथ में की हैं, और अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि फिल्म क्रिश 4 में ये दोनों क्या कमाल करते हैं। मेकर्स जल्द ही फिल्म क्रिश 4 का काम शुरू करने वाले हैं। डायरेक्टर राकेश रोशन के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल के अंत तक रिलीज हो सकती है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल कायनात में वेलकम। कौन गाएगा फिल्म में गाना, किसकी तारीफ की ऋतिक रोशन ने। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके फैंस भी अब उनकी इस लव लाइफ में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या ऋतिक जल्द ही शादी करने वाले हैं, क्या उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में जो भी रूमर्स हैं क्या वो सब सच है, क्या वाकई ऋतिक रोशन की जिंदगी में आ चुकी है एक हसीना। ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ आए दिन कहीं ना कहीं नजर आते हैं। वो कभी डिनर डेट पर तो कभी एक दूसरे के घर पर नजर आते हैं। बॉलीवुड में फिल्म क्रिश से अपनी सुपर हीरो की पहचान बना चुके ऋतिक रोशन इन दिनों सुपर हीरो से मजनू बनते जा रहे हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के हर पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें ऋतिक रोशन ने लिखा शानदार, जिसे देखने के बाद उनके फैंस भी उस पोस्ट पर कमेंट्स करने लगे। और इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन सबा आजाद की लगभग हर पोस्ट पर कमेंट्स करते हैं और उनकी ढेर सारी तारीफें भी करते हैं। ऋतिक के इस रवैये को देखकर तो यही लगता है कि सबा आजाद और ऋतिक रोशन वाकई में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो दोनों जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं।
ऋतिक रोशन इन दिनों सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर के शूट में बिजी हैं। लेकिन जैसे ही इस फिल्म की शूट का काम कंप्लीट हो जाएगा वो अपनी सबसे सुपरहिट फिल्म सीरीज क्रिश 4 को लेकर बिजी हो जाएंगे और उसका शूट जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस फिल्म में भी सीरीज की बाकी फिल्म्स की तरह हमें बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे, जिसके लिए मेकर्स ने बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल जोड़ी सचेत परंपरा को अप्रोच किया है। इतना ही नहीं, सचेत और परंपरा के साथ साथ इस फिल्म में हमें नेहा कक्कड़, विशाल मिश्रा और जुबिन नौटियाल भी गाने गाते हुए नजर आ सकते हैं। राकेश रोशन के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमा तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। से अलग कब तक आ सकता है क्रिश 4 का टीजर? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। खैर दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ने क्रिश मूवी के सारे पार्ट्स तो देखे ही होंगे। इसके हर पार्ट में हमें एक नई और अलग स्टोरी देखने को मिलती है। मेकर्स ने जब क्रिश का पहला पार्ट कोई मिल गया निकाला था, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो आगे इसके पार्ट्स और भी निकालेंगे, तभी इसका नाम कोई मिल गया रखा गया था। लेकिन जब मेकर्स ने देखा कि कोई मिल गया को लोगों ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी सुपरहिट हो गई है, तब उन्होंने इसके बाकी पार्ट्स भी निकालने के बारे में सोचा। अब तक के इस मूवी के सारे पार्ट्स हिट ही गए हैं। बात करें क्रिश 3 की तो ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। क्रिश 3 की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। इस मूवी में जो मास्क ऋतिक रोशन ने यूज किया था वो वैक्स का बना हुआ था और इस एक मूवी में ऐसे टोटल 600 मास्क यूज हुए थे। इस मूवी में कंगना रनौत का बॉडी सूट जो हमें फिल्म में देखने को मिला था वो रबड़ का बना हुआ था, जिसे डिजाइनर्स को बनाने में 45 दिन लगे थे। क्रिश 3 2014 की ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इस बार क्रिश मूवी के 15th एनिवर्सरी पर मेकर्स ने सभी फैंस को क्रिश 4 की अनाउंसमेंट करके सरप्राइज दे दिया था। इस अनाउंसमेंट के बाद सभी इस मूवी को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। इस मूवी को इतना प्यार मिलने का सबसे बड़ा रीजन था इसकी स्टोरी। दरअसल क्रिश इंडिया की ओनली सुपर हीरो मूवी है। यूजुअली सुपर हीरो मूवीज हमें हॉलीवुड में ही देखने को ज्यादा मिलती है, लेकिन क्रिश के डायरेक्टर राकेश रोशन ये आइडिया बॉलीवुड इंडस्ट्री में लेकर आए और एक नए तरीके की स्टोरी दिखाई जिसमें लोगों का काफी इंटरेस्ट आने लगा। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन की कई मूवीज अपकमिंग हैं, जैसे क्रिश 4, फाइटर एंड विक्रम वेधा। अब बात करें विक्रम वेधा और क्रिश 4 की, तो इन दोनों की स्टोरी एक दूसरे से काफी अलग होने वाली है। क्रिश 4 एक इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में है जिसमें हमें एक ऐसा इंसान देखने को मिलेगा जिसमें सुपर पावर्स हों, लेकिन ऐसा विक्रम वेधा में नहीं होने वाला। इस मूवी की स्टोरी एक पुलिसमैन पर बेस्ड होगी जो रियल लाइफ से रिलेट करती होगी। क्रिश 4 किसी हॉलीवुड या साउथ मूवी की रीमेक नहीं होगी। ये मूवी ओरिजिनली रिटन होगी, लेकिन विक्रम वेधा 2017 में आई तमिल मूवी विक्रम वेधा की ही रीमेक होगी। विक्रम वेधा हमें क्रिश 4 के पहले 30 सितंबर 2022 को थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। ये दोनों मूवी ही अपने आप में काफी अलग होने वाली हैं। आपको बता दें कि तमिल की मूवी विक्रम वेधा ब्लॉकबस्टर मूवी थी। बॉलीवुड मूवी विक्रम वेधा के डायरेक्टर गायत्री और पुष्कर हैं। इन दोनों ने तमिल की विक्रम वेधा को भी डायरेक्ट किया था। बात करें क्रिश 4 मूवी के टीजर की, तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इस मूवी की अभी शूटिंग बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई है। अभी इस मूवी की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। स्क्रिप्ट तैयार होते ही मेकर्स क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। इस मूवी का टीजर हमें जुलाई या फिर अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है।
और फिलहाल ऋतिक रोशन भी अपनी आने वाली मूवी विक्रम वेधा की शूटिंग में काफी बिजी हैं। उस मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद ही वो क्रिश 4 की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप क्रिश 4 और विक्रम वेधा को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तक क्रिश 3 मूवी की फीमेल विलन काया कौन से हॉलीवुड सुपर हीरो कैरेक्टर से इंस्पायर्ड थी? कंगना से पहले किसे काया का रोल मिला था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल और सुपर हीरो क्रिश के बारे में। क्रिश 4 मूवी लगभग ऑन बोर्ड है और जल्द ही मेकिंग में आ जाएगी। मूवी से लेकर कुछ रूमर्स ये हैं कि इस मूवी में कंगना का भी एक रोल हो सकता है, एक नया मानवर के तौर पे, जैसा कि क्रिश 3 में हुआ था। एस काया क्रिश 3 मूवी में काल के रूप में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी विवेक ने, तो वहीं काल के सपोर्टिंग एंटागोनिस्ट के रोल में देखा गया था काया को, जिसके रोल को कंगना रनौत ने निभाया था। कंगना ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको सरप्राइज कर दिया था, लेकिन रोल के लिए भी कंगना पहली चॉइस नहीं थी। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काया के रोल के लिए मेकर्स ने सबसे पहले चित्रांगदा सिंह को अप्रोच किया था। यहाँ तक कि चित्रांगदा ने तो किकबॉक्सिंग के लेसन लेने भी शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में चित्रांगदा को क्वीन कंगना ने रिप्लेस कर दिया। दोस्तों, जैसे कि काल के किरदार का सीधा कनेक्शन था हॉलीवुड की फेमस सुपर हीरो मूवी सीरीज एक्समैन के मैग्नेटो के साथ, वैसे ही कंगना के कैरेक्टर का काया का भी एक्समैन मूवी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था और उनके किरदार को बिल्कुल मिस्टिक की तरह तैयार किया गया था। बात करें कंगना के कॉस्ट्यूम के बारे में, तो वो एक रबर लेटेस्ट सूट था जिसे 45 दिन में तैयार किया गया था और उस ड्रेस को फाइनलाइज करने के लिए लगभग 25 स्केच तैयार किए गए थे और तब जाके वो कॉस्ट्यूम फाइनल किया गया। एक इंटरव्यू में कंगना ने रिवील किया था कि उन्हें हर शूट से पहले 1-2 घंटे तक तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। कौन से रिमार्क ने किया खान्स को अपसेट? कौन कौन सी है ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवीज? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। बॉलीविड की क्रिश ऋतिक रोशन, जो अपनी अमेजिंग एक्टिंग और डांस के लिए जाने जाते हैं और वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ऋतिक एक रिमार्क ने किया खान्स को अपसेट? और क्या आप जानते हैं कि कौन सा है वो कमेंट? आइए हम बताते हैं आपको। दरअसल बात ऐसी है कि क्रिश और उनकी रियल लेडी प्रियंका चोपड़ा जोनस करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में पहुंचे थी, जहाँ उनसे एक क्वेश्चन में सलमान खान और आमिर खान में से किसी एक को चूज करना था। पर क्या आप जानते हैं कि इसके आंसर में क्या बोले ये सुपरस्टार? ऋतिक ने चीखी रिप्लाई करते हुए कहा कि इसमें चॉइस जैसा कुछ नहीं है, सलमान और आमिर दोनों की हाइट लगभग सेम है, जिसे सुनकर प्रियंका भी शॉक होकर जोर जोर से हंसने लगी। और अगर लोग मेरे इस रिमार्क से नाराज होते हैं तो मुझे कहना होगा कि हमारे पास ह्यूमर की कमी है। उनका कहना था कि मेरे इस कमेंट के तुरंत बाद मेरा अगला स्टेटमेंट यही था, यही एक लौता डिपार्टमेंट है जहां मैं दोनों खान से ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। आखिर में ऋतिक ने दोनों खान को ऑसम टैलेंट बताते हुए कहा कि वो दोनों लेजेंड्स हैं, मुझे कई साल लगे हैं उनके आसपास पहुंचने में। अब ये तो ऋतिक ही जाने कि उनका ताना था या मजाक, पर इतना तो पक्का है कि ऋतिक ऐसे किसी रिमार्क से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो फाइटर, विक्रम वेधा, क्रिश 4 में नजर आएंगे। इसके अलावा वो रोहित धवन की अनटाइटल मूवी और क्रिश 5 में भी दिखाई देंगे। क्रिश 4 सुपरस्टार का बिगेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हर एज ग्रुप के लोग वेट करते हैं, चाहे वो बच्चे हो या यंगस्टर्स या फिर ओल्ड एज, इस फिल्म का मैजिक सब पर चलता है। मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नौरव फतेही और नमन जैन शामिल है। जैसे कि आप सब जानते हैं, फिल्म क्रिश सीरीज की 4th इंस्टॉलमेंट है, तो देखना होगा कि इस बार क्या क्या नया करते हैं राकेश रोशन इस फिल्म में।
जल्दी ये फिल्म आपको एंटरटेन करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। चलिए अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा आपको रितिका ये चीकी कमेंट। ऐसे हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। किस प्लेटफॉर्म पर हो सकती है मूवी रिलीज? क्या होगा इस मूवी का सोशल इम्पैक्ट? कौन होगा इस मूवी का सिंगर? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। क्रिशफुर मूवी में हमें ऋतिक रोशन का सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों रोल देखने को मिल सकता है। इस मूवी में खबर आई है ऋतिक रोशन हमें 4 रोल करते दिखाई देंगे। इस फिल्म में हमें कियारा आडवाणी भी एज अ फीमेल सुपर हीरो देखने को मिल सकती है और ये भी हमें एक्शन करती दिखाई देंगी। इसको लेके अभी मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। आपको बता दें कि इससे पहले ये न्यूज आई थी कि क्रिश 4 में हमें ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण देखने को मिल सकती है, लेकिन मेकर्स ने इस न्यूज को गलत बता दिया था। अब ये देखना होगा कि क्या कियारा आडवाणी सच में देखने को मिलेंगी या फिर ये भी कोई फेक न्यूज है। क्रिश 4 मूवी 2023 की स्टार्टिंग में रिलीज होगी। इसके पहले हमें ऋतिक रोशन की बाकी 2 फिल्म विक्रम वेदा और फाइटर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब कोविड की सिचुएशन काफी बेटर हो गई है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मूवी हमें थिएटर में देखने को मिल सकती है। मुंबई के सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं और अब हमें जल्दी ही सारे मूवीज थिएटर्स में देखने को मिलेगी। क्रिश 4 एक एक्शन मूवी है जिसको थिएटर में देखने का अलग ही मजा होगा। कोविड के सिचुएशन की वजह से सभी मूवीज OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलती थी, लेकिन खबर की माने तो मेकर्स का कहना है कि अगर सिचुएशन ऐसे ही कंट्रोल में रही तो क्रिश 4 को डायरेक्ट थिएटर में रिलीज किया जाएगा ताकि ऑडियंस इस मूवी को अच्छे से एंजॉय और फील कर सके। बात करें क्रिश 4 मूवी के सोशल इम्पैक्ट की तो इस मूवी में हमें टाइम ट्रैवल और एलियन देखने को मिलेगा और ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये रियल में होना पॉसिबल नहीं है, तो इस मूवी को लोग एज अ अनरियलिस्टिक स्टोरी ही लेंगे। इस मूवी में हमें एक उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बार भी हमें क्रिश 4 कुछ ऐसे ही फेमस सिंगर्स के सॉन्ग्स इस फिल्म में सुनने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो तारों में रहने वाले लोगों से बातें क्या करते थे। कायनात में क्या होगी फिल्म की स्टोरी, क्या होगा फिल्म का बजट, कौन होगा इस फिल्म का म्यूजिक कंपोजर? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। क्रिश 4 ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी है। इस मूवी की रिलीज डेट 2023 की है। इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन हीरो और विलन दोनों का रोल करते नजर आएंगे। फिल्म की लीड एक्ट्रेस में हमें ऋतिक रोशन के साथ कियारा आडवाणी देखने को मिल सकती है। फिल्म को राकेश रोशन डायरेक्ट करेंगे। इस मूवी में हमें कोई मिल गया का जादू भी देखने को मिल सकता है। ये मूवी एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है जिसमें फैमिली ड्रामा और टाइम ट्रेवल देखने को मिल सकता है। जब से क्रिश 4 की अनाउंसमेंट हुई है तब से सभी लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगी क्रिश 4 की स्टोरी। क्रिश 4 का पहला पार्ट कोई मिल गया में ऋतिक रोशन ने रोहित का रोल प्ले किया था जिसमें वो एलियन से मिलता है और बाद में एलियन अपने प्लेनेट पे जाते जाते रोहित को अपनी सुपर पावर्स दे देता है। क्रिश के सेकंड पार्ट क्रिश में हमें रोहित का बेटा कृष्णा देखने को मिलता है जो अपनी सुपर पावर्स के बारे में किसी को नहीं बताता और एक सर्कस में जब बच्चे फंस जाते हैं तब वो मास्क लगाकर बच्चों की जान बचाता है जिसके बाद वो मास्क मैन के नाम से जाना जाता है। कृष्णा की यही स्टोरी क्रिश के थर्ड पार्ट क्रिश 2 में कंटिन्यू रहती है।
अब बात आती है क्रिश के पार्ट 4 क्रिश 4 की। तो खबर ये आ रही है कि इस मूवी में हमें कृष्णा का बेटा जिसका नाम रोहित है वो देखने को मिलेगा और उसमें भी उसके पापा की तरह सुपर पावर्स होंगी और वो भी वर्ल्ड को सभी मुश्किलों से बचाएगा। ऋतिक रोशन की ये फिल्म वॉर के बाद हम सबको ही इनकी दूसरी एक्शन मूवी का इंतजार था। क्रिश फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और उसका मेन रीजन ये है कि इंडिया की ओनली सुपर हीरो फ्रेंचाइजी है, तभी तो क्रिश की मूवी के हर पार्ट का बजट काफी ज्यादा जाता है। इस बार भी क्रिश 4 का बजट इसके बाकी पार्ट से ज्यादा बताया जा रहा है क्योंकि इस बार मूवी में हाई VFX और ग्राफिक्स का यूज किया जाएगा। इस मूवी का बजट 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब तक क्रिश के सभी पार्ट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसके बजट से ज्यादा गया है और मूवी भी हिट हुई है। हम उम्मीद करते हैं क्रिश 4 का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसके बजट से ज्यादा हो और ये भी सुपर हिट हो। बात करें अगर फिल्म के म्यूजिक कंपोजर की तो खबर ये आई है कि क्रिश के बाकी पार्ट्स की ही तरह इस पार्ट को भी राजेश रोशन, सलीम मर्चेंट और सुलेमान मर्चेंट ही कंपोज करने वाले हैं। राजेश रोशन बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक कंपोजर्स में से एक हैं। इन्होंने इससे पहले कई मूवीज जैसे जूली, कहोना प्यार है, करण अर्जुन और कुवारा बाप के भी म्यूजिक कंपोज किए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक बार फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी फिर वो फिल्म के म्यूजिक पर काम करना शुरू करेंगे। और जब राजेश रोशन से पूछा गया कि क्या फिल्म में हमें ऋतिक रोशन का भी कोई सॉन्ग सुनने को मिलेगा तो उन्होंने बोला कि हाँ, इस बार क्रिश 4 में ऋतिक रोशन का एक सॉन्ग तो आएगा ही आएगा जिसको खुद ऋतिक रोशन ने गाया होगा। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने इससे पहले भी कई मूवीज जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सेनोरिटा और तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। क्या क्रिश 4 में होगा पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट? आखिर कौन होगा क्रिश का दुश्मन क्रिश 4 में? रोहित मेहरा से ऐसी कौन सी गलती हुई कि हमें दो क्रिश देखने को मिलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चहेते सुपर हीरो के बारे में और वो है डायरेक्टर राकेश रोशन द्वारा तैयार की गई क्रिश फ्रेंचाइजी के लीड सुपर हीरो क्रिश। सभी बच्चों के क्रिश का क्रेज बहुत ही ज्यादा है और आखिर हो भी क्यों ना, इंडिया का सबसे स्पेशल और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है क्रिश। क्रिश फ्रेंचाइजी में अब तक कुल 3 मूवीज बनी हैं, जो कि है कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। मूवी डायरेक्टर राकेश रोशन अब तैयार है क्रिश 4 के साथ और उनके इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा नए प्लान्स भी हैं। जैसे कि इस मूवी को लेकर ये अपडेट्स हैं कि क्रिश 4 में ऋतिक रोशन यानी कि हमारे मेन सुपर हीरो क्रिश का दुश्मन भी क्रिश ही है। मतलब कि इस मूवी में ऋतिक रोशन का डबल रोल होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्रिश 4 में दो क्रिश कैसे होंगे जिसमें से एक होगा पॉजिटिव तो दूसरा होगा नेगेटिव। क्रिश 3 मूवी में हमने देखा कि किस तरह क्रिश के डैड रोहित ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो कि जिंदगी को दोबारा जिंदा कर सकता है और उसी डिवाइस की मदद से रोहित मेहरा ने अपने बेटे क्रिश को मूवी में दोबारा जिंदा किया था। उसी तरह रोहित मेहरा क्रिश 4 में डायमेंशंस के बारे में खोज करते हैं और पैरेलल स्पेस की गहराइयों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो पैरेलल स्पेस के दरवाजे खोल देते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं। लेकिन दरवाजे खुलने पर एक्चुअल डायमेंशन में एक और क्रिश आ जाता है जो कि किसी और डायमेंशन से होता है और वो सीधा पॉजिटिव क्रिश के ऊपर अटैक करता है। दोनों ही क्रिश बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और किसी एक को जीतना लगभग नामुमकिन जैसा है। वहीं दूसरी तरफ रोहित मेहरा एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं ताकि वो नेगेटिव क्रिश को उसी डायमेंशन में दोबारा भेज सके, क्योंकि ऐसा करने से ही डायमेंशंस के बीच का बैलेंस बना रहेगा। लेकिन दूसरा क्रिश ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से मूवी में एक नहीं बल्कि दो क्रिश देखने को मिल सकते हैं और वो भी एक दूसरे के दुश्मन। अगर राकेश सर ऐसा कॉन्सेप्ट शोकेस करते हैं तो बॉलीवुड में ये पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट की एंट्री एक बहुत ही शानदार कंटेंट होने वाला है।
आपको क्या लगता है नेगेटिव क्रिश की एबिलिटीज क्या होंगी, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राकेश रोशन क्रिश 4 के हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई क्रिश 4? कौन होगी क्रिश 4 की हीरोइन? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने कोरोना वायरस महामारी की दस्तक से पहले कई सुपर हीरो फिल्मों का ऐलान किया था। इन फिल्मों के ऐलान ने दर्शकों में उम्मीद जगा दी थी कि अब उन्हें सुपर हीरो फिल्मों के लिए हॉलीवुड स्टार्स का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। फैंस की यही खुशी बहुत ही जल्द उदासी में तब्दील हो गई। कोरोना काल में ये सभी सुपर हीरो फिल्में ठंडे बस्ते में चली गईं। इन फिल्मों को बनाने का रिस्क कोई भी निर्माता नहीं लेना चाहता। कोरोना की वजह से फिल्मों की कमाई ठप पड़ी हुई है, जिस कारण निर्माताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो किसी मेगा बजट सुपर हीरो फिल्म को फ्लोर पर लेकर आए। वैसे तो सुनने में आया है कि ऋतिक रोशन हमें ऐसे समय में एक सुपर हीरो फिल्म देने वाले थे, लेकिन उन्हें भी एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 23 जून 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म की 15वीं सालगिरह पर ऋतिक ने इसकी फ्रेंचाइजी के बारे में ऐलान किया था। जैसे ही ये हिंट आया तो सबके दिल में एक ही सवाल था कि कौन हो सकती है क्रिश 4 की हीरोइन। आपको बता दें कि क्रिश 3 में हमने कंगना रानौत, प्रियंका चोपड़ा को देखा था। प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड की एक बड़ी स्टार बन चुकी हैं और ऐसे में उनका इस फिल्म के अगले पार्ट में होना मुश्किल लग रहा है। और वहीं दूसरी ओर कंगना रानौत और ऋतिक रोशन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से वो एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। इन सब वजहों के चलते हो सकता है कि क्रिश 4 में हमें कोई नया चेहरा दिखाई दे। आपको बता दें कि इस फ्रेंचाइजी के अनाउंसमेंट खुद ऋतिक रोशन ने की थी। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या लिखकर हिंट किया था कि अगली फ्रेंचाइजी पर काम शुरू हो गया है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ तो फैंस खुशी से पागल हो गए, लेकिन वो क्या जानते थे कि ये खुशी सिर्फ दो पल की है, क्योंकि हाल ही में राकेश रोशन ने क्रिश 4 पर कहा, मैं महामारी के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। हम जिस फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, मैं नहीं चाहता कि वो अटक जाए। महामारी में फिल्मों का कारोबार बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है, इसीलिए मैं इसमें कूदना नहीं चाहता। अब आजकल कोरोना के हालचाल को देखकर लग रहा है कि इस पैनडेमिक को एंड होने में कुछ ही समय बचा है, और ऐसे में इसका मतलब ये हो सकता है कि क्रिश 4 इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई है। हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कृपया अपनी गुस्से की पेटी बांध लीजिए। क्रिश 4 मूवी के स्क्रिप्ट राइटर आखिर कौन होने वाले हैं? राकेश रोशन ने क्रिश 4 की स्टोरी के लिए किसकी मदद ली थी? तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो जॉनरे को एक नया मुकाम तक पहुँचाने वाले सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश के बारे में। आज के टाइम में अगर आप किसी बच्चे से सवाल करोगे कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, तो वो हॉलीवुड के फेमस हीरोज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन और एवेंजर्स को ही जुबान पर लेकर आएगा। मगर जब आप कहोगे कि अगर इंडिया से नाम देना हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आएगा, और वो है क्रिश का। सो सही समझे आप दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड फेमस सुपर हीरो सीरीज क्रिश की, जिसमें अब तक टोटल 3 फिल्म्स बन चुकी हैं, जो कि है कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। दोस्तों आपको बता दें कि डायरेक्टर राकेश रोशन क्रिश 4 की स्क्रिप्टिंग के ऊपर काफी मेहनत से डिटेलिंग दे रहे हैं, क्योंकि वो क्रिश फैंस की उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा उतरना चाहते हैं।
और स्क्रिप्टिंग का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पे उठाया है और उनकी मदद कर रही हैं दो बहुत ही ज्यादा प्यारे और राकेश रोशन के दिल के करीब हेल्पर्स। तो दोस्तों अब ये दो लोग हैं हिरदान और रिहान, यानी कि राकेश रोशन के ग्रैंडसन्स। राकेश रोशन दोनों से डिस्कस करते हैं और उनकी सुपर विजन को स्क्रिप्ट में उतारने की कोशिश करते हैं जहां भी उनके आइडियाज फिट हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राकेश रोशन के ग्रैंडसन्स का मेजर रोल होने वाला है मूवी के विलन और क्रिश के बेटे को डिटेलिंग देने में, क्योंकि क्रिश कैरेक्टर को क्रिश मूवी और क्रिश 3 मूवी में काफी ज्यादा एस्टैब्लिश किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ क्रिश 4 मूवी के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी में एक नया विलन इंट्रोड्यूस किया जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों क्रिश के बेटे को भी एक न्यू सुपर हीरो के अवतार में दिखाया जाएगा। और यही काम आएंगे दोस्तों राकेश रोशन के दोनों ग्रैंडसन्स, क्योंकि उनके सुपर माइंड में एक सुपर विलन तैयार करने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑसम थ्योरीज होंगी जो कि राकेश रोशन के लेजेंडरी विजन के साथ मिलकर एक स्टैंडर्ड मास्टरपीस जरूर बनाएगी। दोस्तों अब कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया अप्रोच है राकेश रोशन द्वारा की गई, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चों में सुपर हीरोज जॉनरे को लेकर आइडियाज का पूरा भंडार होता है। इमेजिनेशंस में वो कुछ भी सोच सकते हैं और राकेश को जो भी आइडियाज अच्छे लगेंगे वो उन्हें एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन के लिए प्रेफर करेंगे। अब आपके राकेश रोशन के स्क्रिप्टिंग के आइडिया के बारे में क्या विचार है हमें जल्दी से कॉमेंट्स में बता दीजिए। साथ ही दोस्तों बिट्टू सरदार और कौन है अनुज पंडित शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी अग्रवाल और आज हम आपके ऐसे ही कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में से एक कोई मिल गया का वो क्यूट सरदार बच्चा क्या आप में से किसी को याद है, जिसने की थी फिल्म में ऋतिक रोशन के सबसे अच्छे दोस्त की एक्टिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिट्टू सरदार की। फिल्म में बिट्टू सरदार का किरदार निभाने वाले अनुज पंडित शर्मा अब बड़े हो गए हैं और वे इतने हैंडसम लगने लगे हैं कि लड़कियां उन पर अब जान छिड़कने लगी है। अनुज पंडित शर्मा अब 25 साल के हो चुके हैं और अपने आकर्षक लुक से हर किसी को अपना दीवाना बना रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी लेटेस्ट पोस्ट भी शेयर की थी। अनुज पंडित शर्मा ने अपनी ये पिक्चर इंस्टाग्राम पर शेयर करी है जिसमें उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी है और वो काफी जच रहे हैं। उनके दोनों हाथ उनके पॉकेट में हैं। साथ ही में पिक्चर का कैप्शन लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि तेरे मरने पर बहुत रोएंगे, तेरे रोने पर कौन मरता है। अनुज के फैंस को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आया है और उन्होंने कमेंट बॉक्स में अनुज को फायर और स्माइल इमोजी के साथ ढेर सारा प्यार बरसाया है। कमेंट सेक्शन में उनके फैंस ने लिखा है किलर लुक, तो किसी ने लिखा है जबरदस्त लुक। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि क्या ये वही बिट्टू है। अनुज पंडित शर्मा ने भी वक्त निकाल कर अपने फैंस के कमेंट्स पर दिल से रिप्लाई किया है। गौरतलब है कि अनुज पंडित शर्मा को आखिरी बार फिल्म टोटल सियापा में देखा गया था। इसके अलावा वे टीवी शो परवरिश के सेकंड सीजन में भी नजर आए थे। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रिश 4 में अनुज पंडित शर्मा हमें फिर से दिखाई दे सकते हैं। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। कौन होगी क्रिश 4 की नई एक्ट्रेस, कौन था फीमेल लीड का रिप्लेसमेंट, क्रिश 4 में दिखेगी कौन सी जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राम स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। भारत का पहला सुपर हीरो हमारा और आपका क्रिश, जिसने टीवी दुनिया में आते ही तहलका मचा दिया। लोग उसे ऐसे पसंद करने लगे कि एक के बाद एक फ्रेंचाइज बनती ही चली गई। अब एक बार फिर
क्रिश की फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमारे सामने आने वाली है, जिसकी खबर खुद ऋतिक रोशन ने क्रिश के 15 साल पूरे होने पर दी थी। बता दें, प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 सुपरहिट फिल्मों में से एक है। दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ रोमांस करते नजर आए थे। दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्रिश 4 में फीमेल लीड के लिए राकेश रोशन की पहली पसंद प्रियंका नहीं बल्कि मैं हूं ना की एक्ट्रेस अमृता राव थी। क्रिश 4 की चर्चाओं के बीच अमृता राव ने बताया कि उन्हें इससे पहले वाली फिल्म में कास्ट किया गया था, लेकिन उनके और ऋतिक रोशन के बीच केमिस्ट्री कुछ खास जम नहीं रही थी, इसीलिए अमृता ने फिल्म छोड़ने का फैसला लिया था। साथ ही इंटरव्यू में अमृता ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि राकेश रोशन को उनका काम पसंद आता है। तब अमृता ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि जल्द ही वो राकेश रोशन के साथ काम करें, मगर उनकी ये इच्छा आज तक पूरी नहीं हो सकी। जी हाँ, ऋतिक के साथ अब की बार अमृता राव नजर आने वाली है। बता दें, अमृता राव ने इश्क विश्क, विवाह, मैं हूं ना, लाइफ हो तो ऐसी जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले काफी दिनों से क्रिश 4 की चर्चा चल रही है, जिसकी अनाउंसमेंट खुद ऋतिक ने की थी। लेकिन जहां क्रिश 4 की फीमेल लीड का सवाल आता है, तो अब की बार एक बार फिर से अमृता राव अपनी केमिस्ट्री को ऋतिक के साथ फिट करने की कोशिश करेंगी, और उम्मीद है जिस तरह की केमिस्ट्री फिल्म में उन्हें चाहिए। हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल है। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कौन होगी क्रिश की हीरोइन? क्या दिखाया जाएगा क्रिश के बच्चे को? और आखिर मार्वल को टक्कर देने आया है कौन? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड के 100 साल से अधिक के सिनेमाई सफर में क्रिश वो नाम है जिसे पर्दे के पहले सुपर हीरो का दर्जा मिला है। हॉलीवुड में मार्वल और डीसी की फिल्मों में भले ही एक से बढ़कर एक सुपर हीरोज है, लेकिन हमारा देसी क्रिश भी किसी से कम नहीं है। साल 2006 में पहली बार हम दर्शकों ने क्रिश को देखा था। दोस्तों, ऋतिक रोशन की इस फ्रेंचाइजी फिल्म ने न सिर्फ बच्चों लेकिन बल्कि बूढ़ों और जवानों का भी दिल जीता था। साल 2013 में जब क्रिश 3 रिलीज हुई थी, तो उसकी तुलना सुपरमैन से होने लगी थी। यही कारण है कि क्रिश 4 की खबरें मिलते ही एक बार फिर हर किसी के जहन में मास्क वाले सुपर हीरो की यादें ताजा हो गई है। दोस्तों, बता दें कि बॉलीवुड एक्टर्स ऋतिक रोशन जल्द ही क्रिश 4 में नजर आने वाले हैं, और फिल्म के लिए तैयारियां तेज से शुरू हो गई हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट का काम लगभग पूरा हो गया है और राकेश रोशन इस पार्ट पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। बता दें कि क्रिश 4 में कियारा अडवाणी लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ सकती है। बताया जा रहा है कि मेकर्स और राकेश रोशन कियारा को फिल्म में लेना चाहते हैं, और उनसे बातचीत भी शुरू हो गई है। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कियारा ने ऋतिक के साथ काम करने की इच्छा जताई थी। लेकिन साथ ही इससे पहले खबर थी कि फिल्म में कृति सैनन लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दे सकती है, लेकिन कृति के पास पहले से ही काफी प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कृति के पास 5 बड़ी फिल्में हैं जिसमें वो काम कर रही हैं। ऐसे में अब कियारा अडवाणी के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इस रेस में अभी दोनों ही एक्ट्रेस बनी हुई हैं। ऐसे में मेकर्स के सभी नेत्री को फाइनल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि ऋतिक रोशन फिल्म वॉर के बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए हैं, और दोस्तों बता दें कि फिल्म वॉर पिछले साल में रिलीज हुई थी और जबरदस्त हिट भी साबित हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ भी थे, और खबर ये भी है कि ऋतिक के पास हॉटस्टार 5 का भी कोई शो है जिससे वो डिजिटल डेब्यू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कियारा दे पाएंगी प्रीति और प्रियंका को टक्कर? हमें धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूं। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। We'll be right back.
क्रिश की कॉस्ट्यूम से कैसे हुआ फायदा? क्यों होता है कैरेक्टर्स के कपड़ों पर कॉपीराइट? क्रिश 4 में अब कैसी होगी ड्रेस? क्रिश की कॉस्ट्यूम जो सबसे अलग थी, जिस पर सबका दिल आ गया था, इतना ही नहीं उसकी कॉस्ट्यूम्स पर राखी, कॉमिक्स, कार्टून टॉयज आदि बनने लगे थे। साथ बच्चों के लिए बाजार में उसकी जैसी कॉस्ट्यूम बिकने लगी थी। लेकिन क्या हुआ उस रियल क्रिश की कॉस्ट्यूम का? क्या क्रिश 4 में भी वही कॉस्ट्यूम होगी यूज? बता दें कि फिल्म स्टार जो भी पहन लेते हैं वो फैशन ट्रेंड हो जाता है, जैसा क्रिश की कॉस्ट्यूम के साथ हुआ। उसके मास्क और ड्रेस को लेकर अब उसे पहनकर बच्चे खुद को सुपरमैन समझ लेते हैं, और हो भी क्यों ना, बड़े बड़े नामी डिजाइनर्स उनके कपड़े बनाते हैं और सबके चहेते स्टार उन्हें पहनते हैं। ऐसा भी होता है जब एक्टर सेट पर किरदार में आने के लिए ये कपड़े खरीद कर पहनते हैं। कई बार हाई प्रोफाइल डिजाइनर फिल्म के बाद अपने कपड़े वापस ले लेते हैं। मनीष मल्होत्रा और अंजू मोदी ज्यादातर फिल्मों के लिए अपने डिजाइन किए गए कपड़े वापस ले लेते हैं। कई बार चैरिटी के मकसद से सितारों के कपड़ों की नीलामी भी की जाती है। लेकिन क्रिश 4 में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब की बार क्रिश 4 में ऋतिक की ड्रेस पर दोबारा से काम किया जाएगा। बेशक उसका कलर सेम ही होगा, लेकिन कपड़ों के लुक में थोड़ा चेंज लाया जाएगा। लेकिन वो चेंज क्या हो सकता है, ये जल्द ही आपको पता चलेगा हमारी आने वाली वीडियोस में। तो जुड़े रहे हमारे वीडियोस के साथ। अब मैं आपकी होस्ट पलक आपसे विदा लेना चाहूंगी, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको आज का कैसा था क्रिश 3 में कंगना का रोल? कितने दिनों में बनी थी ये रबड़ की ड्रेस? क्या काया से ही इंस्पायर्ड होगा वंडर वुमन का किरदार? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, दिस इज योर होस्ट पलक एंड वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। क्रिश 4 के आने की न्यूज ऑलरेडी आउट हो चुकी है और लोगों को ऋतिक की वो पोस्ट देखने के बाद फिल्म से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। सभी जल्द से जल्द फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, फैंस की रिक्वेस्ट पर क्रिश और वंडर वुमन के साथ लाने की बात चल रही है, और क्रिश 3 में भी ऐसा ही एक लेडी है जिसे देख कर लोग शॉक रह गए थे। बता दें कि लोगों को क्रिश 3 का ट्रेलर देखने के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदें कंगना रनौत के किरदार से ही थी। कंगना रनौत ने क्रिश 3 में एक सुपर वुमन का किरदार निभाया था और उसके किरदार का नाम था काया। कंगना रनौत का किरदार आधा इंसान और आधा जानवर था। अब इस किरदार को निभाने के लिए कंगना ने काफी मेहनत भी की थी। इस किरदार के लिए जो ड्रेस डिजाइन की गई थी वो बहुत ही ज्यादा टाइट और बहुत ही लेटेक्स रबर से बनी हुई थी। इस ड्रेस को पहनकर शूटिंग करने में कंगना को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी, और उन्हीं सारी मुश्किलों को झेल कर कंगना आगे बढ़ी। खुद ड्रेस डिजाइनर गोविंद ने कहा था कि कंगना रनौत ने जो सूट पहना है उसे पहनकर शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल टास्क था, क्योंकि ये ड्रेस बॉडी से एकदम चिपकी रहती थी और रबर से बने होने की वजह से काफी गर्म भी थी। लेकिन इसके बावजूद कंगना ने इस ड्रेस को पहनकर शूटिंग की और सभी को हैरान कर दिया। कंगना के लिए ये फिल्म काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस फिल्म से कंगना रनौत के करियर को भी अच्छा ब्रेक मिला था। इसलिए कंगना ने अपने किरदार को निभाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। कंगना ने सुपर वुमन दिखने के लिए हर संभव कोशिश की थी। क्रिश 3 के ट्रेलर के बाद जो सराहना मिली थी कंगना वाकई उसके लायक भी थी। बता दें कि कंगना रनौत ने क्रिश 3 में जो ड्रेस पहनी थी उससे बनाने में पूरे 45 डेज का टाइम लगा था, वो भी 25 अलग अलग डिजाइन देखने के बाद आखिरकार ये सूट को सिलेक्ट किया गया। अब इस ड्रेस को डिजाइन किया था डिजाइनर गोविंद ने, और राकेश रोशन ने इसे सूट बनाने के लिए डिजाइनर को हेल्प भी किया था। उनकी मदद से ही गोविंद इस सूट को बना पाए। अब एक बार ऐसा ही और रबड़ का सूट तैयार किया जा रहा है, वो भी क्रिश 4 में पहनने के लिए। लेकिन अफसोस है कि वो सूट पहनने का मौका कंगना को नहीं मिलेगा, बल्कि हॉलीवुड के वंडर वुमन को मिलेगा। हालांकि जब दो सुपर फिल्म मर्ज हो में रहने वाले लोगों से बातें क्या करते थे? काल की कायनात में क्या नया होगा क्रिश 4 में? किसका रोल वापस आएगा क्रिश 4 में? कौन बुलाएगा जादू को उसके घर से वापस? किन बातों को जोड़ा गया है कहानी में? ऋतिक रोशन की सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 को लेकर दर्शकों में काफी चर्चा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस पहले सुपर हीरो को लेकर एक बार फिर
फैंस काफी उतावले हैं उन्हें पर्दे पर देखने के लिए। फिल्म की कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए इस बार निर्माता निर्देशक राकेश रोशन ने कहानी में ट्विस्ट पिरोने वाले हैं। यानी कि उनमें से एक ये भी हो सकता है कि इस बार कृष के पिता यानी कि रोहित मेहरा की वापसी हो सकती है। लॉकडाउन के समय का भी राकेश रोशन ने काफी यूज किया था। लॉकडाउन के दौरान राकेश रोशन ने स्क्रिप्ट पर भी काफी काम किया है और इनमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जोड़ी है। क्रिश सीरीज की इस चौथी फिल्म में ऋतिक का किरदार कृष्णा यानी कि क्रिश अपने पिता रोहित मेहरा से मिलने के लिए टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। यानी कि ऋतिक एक बार फिर फिल्म में डबल रोल में दिखने वाले है। क्रिश के एलियन दोस्त जादू की भी वापसी हो सकती है जिसके बारे में पहले भी खबरें आ चुकी है और इसकी डिटेल वीडियो भी हमने चैनल पर डाल रखी है कि कैसे जादू का किरदार बना और कैसे उसकी ड्रेस बनी, तो जानने के लिए देख डालिए वो वीडियो भी। और सीधी सी बात है कि अगर जादू फिल्म में आएगा तो रोहित का भी होना जरूरी है क्योंकि जादू से कॉन्टेक्ट करने के लिए रोहित का होना भी जरूरी है। समझ लीजिए ये फिल्म क्रश फ्रेंचाइजी का कनेक्टिंग पार्ट होने वाला है। सारी कड़ियों को आपस में जोड़ा जाएगा और तोड़ने वाले भी होंगे इस मिशन में, लेकिन जोड़ने वालों की सेना ज्यादा ताकतवर होगी क्योंकि उनके साथ होंगे रोहित मेहरा और जादू। बता दें कि ऋतिक को भी ये आइडिया पसंद आया है। इसके लॉक होते ही राकेश रोशन ने अपने भाई राजेश रोशन से इसके संगीत पर भी काम करना शुरू कर दिया है। और खास बात ये भी है कि क्रिश 4 को बड़े स्केल पर डेवलप किया जा रहा है जिसके चलते उसके VFX के काम के लिए शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से भी बात चल रही है। क्रिश 4 में कई सारे सुपर विलन आने की उम्मीद है जो क्रिश से मुकाबला करेंगे। फिल्म में इनके लुक्स को असरदार ढंग से दिखाने के लिए हॉलीवुड डिजाइनरों से भी संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन साथ ही बुरी खबर ये भी है कि इस बार प्रियंका चोपड़ा या प्रीति इस चौथी इंस्टॉलमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगी। लेकिन कौन लेगा फिर उनकी जगह, कौन होगा इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस? तो बता दें कि उनकी जगह कियारा आडवाणी से बात की जा रही है। अब उनकी हाँ होगी या ना, ये जान कैसे पड़ा क्रिश 4 का टाइटल? कौन होगी क्रिश 4 में लीड एक्ट्रेस? कौन लगाएगा फिल्म में कॉमेडी का तड़का? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रांड स्टूडियोज की एक खास पेशकश में, जिसमें आज हम बात करेंगे फिल्म क्रिश 4 को लेकर। उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें बॉलीवुड की तो बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनती है। कुछ सुपरहिट होती है, कुछ ब्लॉकबस्टर तो कुछ फ्लॉप हो जाती है। ऐसे में कम ही फिल्में होती हैं जो ऑडियंस के दिल में सालों साल जगह बना पाती है। इन्हीं फिल्मों में से एक है ऋतिक रोशन की क्रिश। बात करें क्रिश फिल्म की तो क्रिश फिल्म को रिलीज हुए 15 साल पूरे हो चुके हैं। ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी बल्कि बॉलीवुड में भी यह पहली सुपर हीरो फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद सुपर हीरो क्रिश ऐसा मशहूर हुआ कि फिल्म का चौथा पार्ट आने जा रहा है। फिल्म के एक्शन सीन से लेकर रोमांटिक सीन तक सब कुछ ब्लॉकबस्टर रहा। आलम यह तक था कि क्रिश भारत का वो सुपर हीरो बन गया जिसके मास्क से लेकर टी शर्ट और कॉस्ट्यूम की अलग मार्केट हो गई। क्रिश ऋतिक रोशन की सबसे सफल फिल्मों में से एक है, और वो भी क्यों ना, इसके लिए ना सिर्फ मेकर्स ने जीत और मेहनत की थी बल्कि कास्ट और क्रू मेंबर ने भी जबरदस्त मेहनत की थी। बता रहे हैं फिल्म में ऋतिक को कई तरीके की इंजरी से गुजरना पड़ा था। एक स्टंट में ऋतिक रोशन के हाथ का और पैर का अंगूठा टूट गया था। इस स्टंट के लिए ऋतिक ने 25 दिन की ट्रेनिंग ली थी। उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि जिसे सीखने में लोगों को एक साल लग जाता है, उसे ही ऋतिक रोशन ने एक महीने से भी कम वक्त में सीख लिया, जो ट्रेनिंग अब क्रिश 4 में काम आएगी। भले ही एक्शन सीक्वेंस अलग हो लेकिन उनकी टेक्निक एक ही होगी। साथ ही बता दें क्रिश 4 में फिल्म के लिए पहली पसंद प्रियंका चोपड़ा नहीं बल्कि अमृता राव है। वहीं बात क्रिश की कास्टिंग की करे तो एतराज के दौरान राकेश रोशन ने प्रियंका चोपड़ा को देखा तो उन्हें क्रिश में लेने का मन बना लिया था।
हमने सभी वीडियो में क्रिश के फैक्ट की बात की है, लेकिन क्रिश का नाम और टाइटल कैसे बना यह कभी आपको बताया नहीं। तो आज आपको बता दें कि फिल्म का प्रोडक्शन की कई फिल्मों की तरह इस फिल्म का नाम भी कैसे रखा जाना था। इसी के चलते इस फिल्म का नाम क्रिश पड़ा और मिला हमें क्रिश नाम का एक।